करते हैं। हमारा ये बाजीराम का तीसरा टेस्ट है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, पढ़ो मैं तब तक थोड़ा थोड़ा। द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट टेक्स इनटू अकाउंट द ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है एक अर्थव्यवस्था में, उसमें जो जीएनपी है वो ट्रांस बाउंड्री एक्टिविटीज को भी कंसिडर करता है। ठीक होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जीएनपी में नेशनल की बात हो रही है ना, तो होगा उसमें वो। फिर आता है जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है वो यूज करता है मार्केट एक्सचेंज रेट को टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी। रियल जीडीपी देखते हैं, अगला देखते हैं, पता नहीं। द रेट्स बाय विच एसेट्स डेप्रिशिएट आर डिसाइडेड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इन इंडिया, मतलब कि एसेट जो हमारी संपत्ति है कोई, वो कैसे डेप्रिशिएट होगी, इसको डिसाइड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। ये तो मुझे गलत लग रहा है थर्ड को, ये नहीं करता होगा। तो एसेट्स तो अपने आप से ऊपर नीचे होते हैं, कोई उसको डिसाइड थोड़ी ना करता कि इतने रुपए का संपत्ति होगी। कोई इवैल्यूएशन तो उसका करता होगा कि मतलब कि कैसे पता चलेगा, कोई करता होगा लेकिन एनएसओ नहीं करता। डिसाइड लिखा है उसमें ना, इवैल्यूएशन नहीं लिखा, उसमें डिसाइड लिखा है, यानी कि संपत्ति इतने रुपए की बिकेगी, इसने डिसाइड कर दिया। गलत है, थर्ड तो गलत हो गया। फिर अनलाइक ग्रॉस वैल्यू एडेड जीडीपी इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, ऑल एक्सपेंडिचर होते हैं। फाइनल वैल्यू ऑफ, मतलब जीडीपी की फुल फॉर्म होती है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो अब उसमें ऑल एक्सपेंडिचर, रुको अभी एक मिनट देखते हैं, हो भी सकता है सही या गड़बड़ भी हो सकता है। अब जो सेकंड में है आईएमएफ जो है वो मार्केट एक्सचेंज रेट को यूज करता है टू कैलकुलेट द ग्रॉस जीडीपी, रियल ग्रॉस जीडीपी। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है ना, रियल जीडीपी नहीं, हाँ होती है हाँ। और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो मार्केट एक्सचेंज रेट इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, ठीक है। मार्केट एक्सचेंज रेट में हम ये थोड़ी ना कंसिडर करते हैं अरे भाई महंगाई बढ़ गई तो हटाओ हटाओ हटा दो, तो सेकंड गलत होगा, ठीक है। अब जब सेकंड गलत हो गया है तो उसका मतलब बी और डी तो चले ही गए हैं, अब बचता है वन और फोर। वन तो पक्का सही है ही, तो ए होगा या सी होगा। अब बात आती है कि ग्रॉस वैल्यू एडिड में हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं जीवीए में, है ना। तो मतलब कि इंटरमीडिएट उड़ा दें या इस तरीके से कुछ होता है, तो जीडीपी जो है वो सारे खर्चे इंक्लूड करता होगा एक अर्थव्यवस्था के, क्योंकि जीडीपी में तो सारी इंक्लूड, ग्रॉस वैल्यू एडेड में वो भी शायद जोड़ते हैं ना जो क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो होता है हाँ, वो तो जीडीपी से फिर वो एनडीपी कर देते हैं, तो ऑल होगा इसमें सही है, वो उसी होना चाहिए वन का। देखो क्या दिया है वन का, हाँ सही है, सी दिया है, ठीक है ठीक है। तो जरूरत है पढ़ने की, तो जीएनपी में यही है कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कंसिडर कर लेते हैं, और ट्रांस बाउंड्री एक्टिविटी में इनकम फ्रॉम अब्रॉड आई गई है ना। तो जो आइटम्स है विच आर काउंटेड इन द सेगमेंट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आर, जैसे कि रेमिटेंस, तो रेमिटेंस प्राइवेट रेमिटेंस जीएनपी का हिस्सा हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन, जो विदेशी लोन था उस पर जो ब्याज आ रहा है वह भी जीएनपी का हिस्सा हो गया, और जो हमने एक्सटर्नल ग्रांट हमको मिली है मतलब किसी दूसरे देश से जो ग्रांट मिल गई वो भी जीएनपी का हिस्सा होगी, ठीक है। अच्छा दिया मतलब इन्होंने इस तरीके से, तो मैंने मतलब मेरे खुद के नोट्स में नहीं है इतना अच्छे से लिखा हुआ। तो फिर जो आईएमएफ और जो ओईसीडी हैं वो यूज करते हैं वेट्स बेस्ड ऑन पीपीपी रेट्स व्हाइल द वर्ल्ड बैंक यूजेस मार्केट एक्सचेंज। अच्छा आईएमएफ जो है वो, अच्छा हाँ यार आईएमएफ तो मतलब पीपीपी पे कैलकुलेट करता है, ओईसीडी दोनों, ओईसीडी दोनों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जबकि जो वर्ल्ड बैंक होता है वो मार्केट एक्सचेंज को यूज करता है टू डिटरमाइन द वेट इन इट्स रीजनल एंड ग्लोबल एग्रीगेशन ऑफ रियल जीडीपी। बहुत बढ़िया सवाल था भाई, इसका जो सेकंड पॉइंट था वो तो बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद में जो तीसरी चीज आती है वो आती है एवरी एसेट गोज फॉर डेप्रिसिएशन इन द प्रोसेस ऑफ देयर यूजेस व्हिच मींस दे वियर एंड टियर, मतलब वो उसमें कुछ टूट फूट होती है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ द इकोनॉमिक्स डिसाइड एंड अनाउंस द रेट्स बाय विच द एसेट्स डेप्रिशिएट, वो डिसाइड करती है। इट इज डन इन, अच्छा ये है इसमें, इट इज डन इन इंडिया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अरे बाप रे, मतलब ये चीज होती है डिसाइड करने वाली, हाँ होता तो होगा, ये एजेंसी नहीं पता था लेकिन ये तो होता ही है, मतलब कि कोई करता ही होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था वही तो। एंड लिस्ट इज पब्लिश्ड व्हिच इज यूज्ड बाय द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी टू डिटरमाइन द रियल लेवल्स ऑफ डेप्रिसिएशन इन डिफरेंट एसेट्स, तो इसलिए तीसरा गलत हो गया। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नहीं करता, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है,
फिर बात आती है ग्रॉस वैल्यू एडिड की, एड्स अप द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द इनपुट कॉस्ट। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या करेगा, एड कर देगा सभी वैल्यू को गुड्स और सर्विसेज की इनपुट कॉस्ट को घटा के, जबकि जो जीडीपी होता है वो बाई एडिंग द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा नीचे भी दिया नॉलेज बॉक्स, अच्छा हुआ इसको पढ़ लिया भाई, इसको ना पढ़ते तो बहुत कुछ मिस होता। तो अब इसमें है मार्केट एक्सचेंज रेट इज द रेट प्रिवेलिंग इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यूजिंग द इधर द रेट एट द एंड ऑफ द पीरियड और एन एवरेज ओवर द पीरियड। इन दिस वन कन्वर्ट द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स नेशनल करेंसी इनटू अ कॉमन करेंसी। हाँ ठीक है, वो तो होता ही है, यूएस में करता है। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट होता है इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री वुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू दैट ऑफ अनदर कंट्री। हाँ ठीक है, टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड। वही देखते हैं ना, इंडिया में बर्गर कितने का मिल रहा है, अमेरिका में बर्गर कितने का मिल रहा है। इंडिया में मान लो मिल रहा है बर्गर 30 रुपए का, अमेरिका में बर्गर मिल रहा है $1 का, तो हम कह देंगे $1 में 30 रुपए हैं, जबकि मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से $1 में शायद 75 या 80 रुपए चल रहे होंगे। ठीक है, तो वही चीज है, हो गया। तो अगला अगला करते हैं। डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स एक्सपेंडिचर नीड्स। तो डायरेक्टली तो नहीं लेती है शायद ऑफ बजट बोरोइंग में सरकार, पीएसयू से लेवाती है, पीएसयू से कहती है तुम ले दो हमारी तरह से, क्योंकि उसको सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट में दिखाती नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से वन गलत होना चाहिए, देखते हैं। फिर इट इज नॉट टेकन इंटू अकाउंट वाइल कैलकुलेटिंग द फिस्कल डेफिसिट, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट अलाउड टू रेज मनी थ्रू ऑफ बजट बोरोइंग। इसका मुझे बहुत आइडिया नहीं है, वैसे मुझे लगता है कि मतलब स्टेट वाले नहीं लेते होंगे, स्टेट नहीं लेता होगा स्टेट तो के वैसे वन अगर गलत हो गया, अगर वन गलत हो गया तो पहले ही बी आ गया ऑप्शन। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर, बी होना चाहिए, टू टू ओनली देखो आंसर बी दे रखे इसका। हां सही है, तो ये दिया कि डायरेक्टली नहीं लेते हैं ये और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट नेशनल फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि उसकी जो लायबिलिटी वो डायरेक्टली केंद्र पर है नहीं। अब इससे जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में बना रहता है। स्टेट गवर्नमेंट कैन रेज मनी थ्रू ऑफ बजट बोरोइंग। इनफैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बोरोइंग बाई स्टेट्स में हैव रीच्ड अ डिकेडल हाई ऑफ अबाउट 4.5% ऑफ जीडीपी और अबाउट ₹7.9 trillion इन इतना अकॉर्डिंग टू अदर सेंटर। इन जुलाई इज रिलैक्स नॉर्म्स फॉर एडजस्टिंग द स्टेट्स ऑफ बजट लोन्स। ठीक है, ये उनका बढ़ गया ना बहुत ज्यादा कर्ज, इसीलिए ये वाला न्यूज में था। तो इसमें क्या लिखा था, अच्छा नॉट अलाउड लिखा था इसमें, यानी स्टेट पे ले सकते हैं। फिस्कल ड्रैग इज अ सिचुएशन इन इकोनॉमी, ये क्या कहते हैं राजकोषीय खिंचाव कहते हैं इसको, इन अ सिचुएशन इन इकोनॉमी व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग टू फाइट द इकोनॉमिक रिसेशन। हो सकता है, ठीक है देखते हैं अगला। नेट इफेक्ट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग इक्वल्स द टैक्सेशन, नहीं ये नहीं होगा, इसको तो रिकार्डियन इक्विवेलेंस कहते हैं शायद, मतलब कि जिसमें जो पब्लिक स्पेंडिंग हो रही है वो बराबर हो गई है जितना टैक्सेशन है। हाँ तो ये शायद रिकार्डियन इक्विवेलेंस होता है, ये तो गलत होगा। अबे इन्फ्लेशन और इनकम ग्रोथ मूव्स टैक्स पेयर्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट्स। इन्फ्लेशन या इनकम ग्रोथ मतलब एकदम से किसी महंगाई बढ़ गई या इनकम में ग्रोथ हो गई तो टैक्स पेयर हायर टैक्स ब्रैकेट में चले गए, बात तो ठीक है, लेकिन फिस्कल ड्रैग कहते होंगे उसको, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अबे इन्फ्लेशन लेवल इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड रेट, नहीं ए होना चाहिए इसको, फिर थर्ड का ए होगा, बाकी ये तीनों का कोई मतलब दूर दूर से संबंध नहीं दिख रहा है, सी होगा यार इसका। इन्फ्लेशन और इनकम ग्रोथ मूव्स टैक्स पेयर इनटू टैक्स ब्रैकेट, ये मैंने लिखा था कॉपी में, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है जल्दी में। ये फिस्कल ड्रैग मैंने कभी मैंने सुना ही इसमें टेस्ट में पहली बार है। नहीं नहीं है, ये इकोनॉमिक्स में है टॉपिक है, मैंने कॉपी में लिखा भी है लेकिन याद नहीं था, मुझे पढ़ा नहीं। तो पढ़ लेते हैं इसको, फिस्कल ड्रैग इकोनॉमिक टर्म है वेयर बाय इन्फ्लेशन और इनकम ग्रोथ मूव्स टैक्स पेयर्स इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। This in fact increases government tax revenue without actually increasing the tax rate. It is the restraining effect of the progressive taxation economies feel on their expansion, fall in the total demand in the economy due to the people moving from lower to higher tax brackets, and the government tax receipts go on increasing. For the individuals pushed into higher tax bracket, अब कोई individual है, वो push हो गया है higher tax bracket में, जो proportion होगा income का, as taxes increase,
रिजल्टिंग इन फिस्कल ड्रैग, मतलब फॉर द मतलब इंडिविजुअल ये है कि स्टूडेंट जो टू, पहले कम टैक्स देते थे अब ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो उनका डिमांड कम हो हाँ गया ना मार्केट में, जो सामान खरीदते थे वो। समझ नहीं आया एक बार, गवर्नमेंट टैक्स विदाउट एक्चुअल इंक्रीजिंग। अच्छा इसमें लिखा फिस्कल ड्रैग एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे महंगाई या इनकम ग्रोथ मूव्स टैक्स पेयर्स इनटू, हाँ मतलब कि उनकी इनकम बढ़ गई तो वो ज्यादा टैक्स देने लगे, इससे क्या हो गया, इंक्रीजेस गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, सरकार को ज्यादा कर की प्राप्ति होने लग गई जबकि सरकार ने टैक्स रेट बढ़ाए भी नहीं है। तो ये एक रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इकोनॉमीज फील ऑन देयर एक्सपेंशन। हाँ मतलब जहां पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है वहां पे एक रिस्ट्रेनिंग इफेक्ट काम कर रहा है, ऑल इन द टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी ड्यू टू द पीपल मूविंग फ्रॉम लो टू हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट्स एंड द गवर्नमेंट टैक्स रिसीव्स गो ऑन इंक्रीजिंग फॉर द इंडिविजुअल्स जो हायर टैक्स ब्रैकेट में गए, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एज टैक्स हैज इंक्रीज, मतलब उनकी उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, रिजल्टिंग इन फिस्कल ड्रैग, दिस कैन रिजल्ट इन डिफ्लेशनरी प्रेशर एट्रीब्यूटेड टू इधर लैक ऑफ स्टेट स्पेंडिंग और टू एक्सेस टैक्सेशन। इसका क्या मतलब हो, दिस कैन रिजल्ट इन डिफ्लेशनरी प्रेशर। दिस कैन डिफ्लेशनरी प्रेशर एट्रीब्यूटेड टू इधर लैक ऑफ स्टेट स्पेंडिंग और टू एक्सेस टैक्सेशन। पता नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब ये कहना चाह रहा होगा शायद कि इन्फ्लेशन घटने लगेगा शायद क्या। दिस कैन रिजल्ट इन डिफ्लेशनरी प्रेशर एट्रीब्यूटेड टू इधर लैक ऑफ स्टेट स्पेंडिंग और टू, पता नहीं देखना पड़ेगा मुझे, याद नहीं है, मैंने पढ़ा है लेकिन याद नहीं मुझे। मतलब ये चलो स्थिति देख तब लेंगे। आएगी जब टैक्सेशन बढ़ता, जो होता है किसी का इनकम बढ़ेगा तो टैक्स बढ़ने लगेगा, अभी जैसे सरकार ने बढ़ाया भी था, तो हाँ ये तब नहीं वो होगा जब सरकार को डिमांड। जरूरत ही नहीं है बढ़ाने की, वो तो अपने आप से ही वो दूसरे टैक्स स्लैब में आ जाएगा तो उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें ये डिफ्लेशनरी प्रेशर वाला जो पॉइंट है वो मुझे अभी समझ नहीं आया, चलो हाँ ये इसको समझ देख नहीं आ रहा लेंगे। मुझे, उसको बाद में देख लेंगे। अगला प्रश्न करते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बेस ईयर ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल अकाउंट वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 2011-12 टू 2020-21। यही चल रहा है अभी, 11-12 वाला, ये भी मैंने पढ़ा था करंट मेरे न्यूज हिसाब में। से तो 11-12 ही चल रहा है। फिर हाँ यही चल जो रहा है। हेडलाइन ग्रोथ रेट है इज मेजर्ड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइसेस, साइन है यानी कि डेली चेंज होने वाला है, और कांस्टेंट मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा, वो गलत लग रहा है, दोनों विरोधी चीजें हैं, तो सेकंड शायद गलत होगा। ठीक है अगर सेकंड गलत है फिर बात आती है, द नेशनल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, नेशनल अकाउंटिंग बेस्ड है, ये सही होगा, ये नेशनल अकाउंटिंग हमारे यहाँ पे एसएनए के आधार पर ही होती है। तो 2008 का है, उसके बाद नहीं आया कुछ, अच्छा 2008 लिखा इसमें। रुको रुको, अच्छा 2008 भी तो लिखा है, तो उसके बाद में एक मिनट में सोचने दो, उसके बाद में हम एमसी लेके तो आए हैं एमसी 21, लेकिन ये तो यही होती है शायद, मतलब वो एमसी 21 दूसरी चीज है, मेरे हिसाब से थर्ड होना चाहिए, मतलब डी होना चाहिए फोर्थ का, तो यार पहला क्योंकि वाला भी तो सेकंड तो सही है, गलत। चेंज तो किया नहीं था, क्योंकि ये जो स्टेबल ईयर ढूंढते हैं, स्टेबल ईयर इनको मिला कहाँ, 19-20-21-22 तो सब कोरोना युद्ध ये समय चला गया, अरे तो तो जो क्या लिखा 11-12। उसमें, रिवाइज हो गया 20-21 में, कहाँ रिवाइज हुआ है, नहीं हुआ है ना, हाँ तो नहीं हुआ कहाँ रिवाइज, तो रिवाइज वही हुआ है, तो। मतलब अच्छा तो ये डी गलत हो होगा गया, ना सही है, फिर। ठीक है ठीक है। तो इसका आंसर दे रखा है, सी दे रखा है, फोर्थ है ना ये ये भी गलत क्वेश्चन, हो गया, फोर्थ का टू हाँ एंड ये भी थ्री। गलत हो गया, यानी सेकंड भी सही है, यानी कि सेकेंड जो वाला ठीक हेडलाइन है, ग्रोथ रेट है, पहला ही गलत गलत, हाँ पहला ही पहला तो गलत गलत लग ही रहा था गलत। लेकिन तो मुझे सेकंड भी गलत लग रहा था, चलो उसको पढ़ लेते हैं। जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जनवरी 2015 में, उसने न्यू और रिवाइज डेटा जो है वो लेके आए थे, हाँ वो तो पता है 2011-12 करा था उन्होंने 2015 में, दिस वॉज डन इन अकॉर्डिंग विद द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, द गवर्नमेंट रिसेंटली स्टेटेड दैट इट हैज नो प्लान्स टू चेंज द बेस ईयर टू इतना, द करंट बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट प्राइसेस 2011-12। ठीक है अब यही आता ठीक है है। जो हेडलाइन ग्रोथ रेट है इंडिया में, उसको हम मेजर करते हैं बाई जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस विच इज रेफर्ड एज जीडीपी एज इज द प्रैक्टिस इंटरनेशनली, अर्लियर ग्रोथ वॉज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी रेट इन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस, पहले फैक्टर कॉस्ट पे भी होता था, हम जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे करने लग गए हैं हेडलाइन ग्रोथ रेट को, हेडलाइन ग्रोथ रेट तो मार्केट प्राइस पे होना चाहिए, पता नहीं अजीब सा सवाल था ये, मतलब मुझे समझ नहीं आया वो तो। हाँ मतलब मेरे तो
मुझे भी नहीं नहीं आया आया। समझ, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं ना इकोनॉमिक्स काफी टाइम से, देखना पड़ेगा पर तो 2015 में अगर एक न्यू सीरीज वाज अनाउंस्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी बाय अपग्रेडिंग द मेथोडोलॉजी। हाँ ये तो ठीक है, मतलब द मेथोडोलॉजी ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल अकाउंट हैज बीन रिवाइज्ड इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। सो स्टेटमेंट 3 तो सही है, ठीक है, मतलब इसमें भी कंफ्यूजन ही हो गया, सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहा ही है। रिवीजन रहता तो कुछ कुछ हो जाता, लेकिन पढ़ा नहीं मुझे मैंने लगता है मेरे से इसको। तो रिवीजन के बाद भी नहीं होते, क्योंकि अब ये जो फिस्कल नहीं ड्रैग है ये मैंने कभी सुना नहीं तो ये था। मैं वही कहने और आया था, मेरा ये वाला हो गया होता, फिस्कल ड्रैग हो गया होता, पहला क्वेश्चन हो गया होता, ये जीडीपी जीएनपी वाला, नहीं, और पहला तो बजट हमारा बॉर्डर सही कुछ वैसे भी हुआ ही अलग है। होता, और ये तीसरा, ये फोर्थ वाला नहीं होता, ये इसमें इसका नहीं पता था मुझे, यूनाइटेड नेशन ये सिस्टम तुम, फॉर नेशनल। हाँ ये वाला तो मुझे मालूम था, क्योंकि ये हुआ था मुझे। सेकंड पॉइंट जो हेडलाइन ग्रोथ रेट है, इसका तो कुछ अभी भी समझ नहीं आया, और ये भी नोट्स पढ़ के भी नहीं होगा, उसमें दिया भी नहीं ऐसा, मतलब जो मेरे पास नोट्स। खैर पांचवा करते हैं, हाँ ऐड करना पड़ेगा। फिर आता जो स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड है रिलेटेड टू द फाइनेंशियल डेटा ट्रांसपेरेंसी इज एस्टैब्लिश्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें है डेटा स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड, क्या चीज? ट्रांसपेरेंसी कौन करता होगा इसकी, हाँ मतलब वही मैं देख रहा हूँ, इस नाम है इसका स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन, मतलब फैलाना, मतलब जो डेटा का डिसेमिनेशन होना है, यानी कि डेटा का जो फैलाव होना है, उसके कुछ मापदंड होंगे। अब वो किस लिए होंगे? ताकि फाइनेंशियल डेटा में पारदर्शिता आए, ठीक है, इसको कौन बढ़ाएगा? तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसको इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बनाता होगा, फोरम नहीं करता और होगा, ओईसीडी भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि ओईसीडी में तो सारे देश ही नहीं आते, तो वो मतलब जस्टिस भी नहीं होगा उसमें। तो या तो यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन होना चाहिए, या फिर आईएमएफ होना चाहिए। अब आईएमएफ का काम क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को रोकना होता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को वो कभी तभी रोक पाएगा जब उसके पास में डेटा को लेकर ट्रांसपेरेंसी होगी, है ना? अगर डेटा ट्रांसपेरेंट होगा तो आईएमएफ को पता चल जाएगा कि यहाँ पे भाई क्राइसिस आने वाली है, तो इसका नहीं आंसर तो ये ए या जो डी में से डेटा कोई एक किसी से होगा। बोरो भी तो कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि खुद ही करें ना काम, हो भी सकता है सही, नहीं पता तो वो, नहीं मुझे नहीं। तो मुझे लगता है इसका डी या ए में से कोई एक होगा, मैं डी के साथ पूछता हूँ, मतलब डी सही हो। इसका डी दे रखा है, स्पेशल डेटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1996 बाय आईएमएफ, इन्होंने किया है, तो चलो ये गाइड करता है मेंबर्स को और माइट सीक एक्सेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इन प्रोवाइडिंग देयर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा टू द पब्लिक। इट इज एम्ड एट गाइडिंग मेंबर्स टू एनहेंस डेटा ट्रांसपेरेंसी एंड हेल्प फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू एक्सेस इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऐसे इंडिविजुअल इसमें कंट्री। यही है अच्छा कि हाँ एसेस ये, करेगा इकोनॉमिक। हाँ हाँ ये अभी पाकिस्तान को ये काम कर भी रहे हैं, ये यही वाला काम। हाँ तो वो तो मतलब मैंने आइडिया लगाया, कभी पढ़ा नहीं है मैंने इस बारे में, ये मतलब मेरे नोट्स में भी नहीं है स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड। तो इन्होंने वही दिया है कि टू कंप्लाई विद दीज स्टैंडर्ड्स, इन स्टैंडर्ड से कंप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडिंग कमिटी भी बनाई है ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। अच्छा ये भी मुझे मालूम नहीं था बिल्कुल भी, जैसे कोई स्टैंडिंग कमिटी भी बनी हुई है। द कमिटी हैज बीन गिवन वाइड रेंजिंग मैंडेट, उसको एक वाइड रेंजिंग मैंडेट दिया गया, विच इंक्लूड्स लुकिंग इनटू डेटा सेट्स। वो डेटा सेट्स को देखेंगे, जैसे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एनुअल सर्वे ऑफ सर्विसेज, सेक्टर इंटरप्राइजेज, एनुअल सर्वे ऑफ अनरिकॉग्नाइज सेक्टर इंटरप्राइजेज, टाइम यूज सर्वे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टाइम यूज सर्वे। इसका मेथड भी होता टाइम है एक यूज अलग से, सर्वे क्या होता है, एनटीयू। कौन करता है ये, एनएसएसओ करता है। हाँ मतलब कुछ उनमें से ही करता है, मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन ये तरीका होता है निकालने का। तो उसके अच्छा अलावा इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड अदर, ये ब्रॉड बिफोर इट्स। तो मतलब इसमें यही है कि एक स्टैंडिंग कमेटी होगी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, मतलब ये जो स्टैंडिंग कमेटी होगी इसके पास में कुछ फंक्शंस होंगे करने के लिए, तो वो इन इन डेटा को वो देखेगी, मतलब उनकी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेगी। अगला प्रश्न करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ने पे क्या होगा एक इकोनॉमी में, वीकनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, पता नहीं, देखते हैं। हाँ सही तो है, क्वेश्चन, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ेगा बढ़ी, तो वैसे महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के पास में सामान वो खरीद नहीं पाएंगे, एग्रीगेट तो किसको डिमांड कौन क्या देगा? होता कुछ है है एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड, डिमांड। मतलब टोटल डिमांड, मतलब टोटल डिमांड। अच्छा
कौन भाई सी महंगाई बढ़ गई है तो हाँ लोग हो कहाँ सकता सामान खरीद पाएंगे, तो पहला सही है, एग्री की डिमांड कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इसमें महंगाई बढ़ने का कारण नहीं पूछा, इसमें पूछे महंगाई बढ़ने के बाद क्या होगा, हाँ फिर महंगाई तो सही बढ़ेगी तो नहीं एग्री की है। डिमांड घट जाएगी, बिल्कुल ठीक है, तो वन सही है, तो यानी बी नहीं हो सकता, है ना। बी नहीं हो अब सकता, आता डी है, नहीं हो सकता। अब आता महंगाई बढ़ गई तो उससे शॉर्ट टर्म इंक्रीज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, पता नहीं। महंगाई अब बढ़ गई डेप्रिसिएशन ऑफ तो द करेंसी, बिल्कुल ठीक है, थर्ड बिल्कुल ठीक है, वन ठीक है और थर्ड भी सही है, तो वन और थर्ड जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में हमें नजर आ रहे हैं वैसे। चलो और भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में चौथा है इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, अगर हाँ ये महंगाई सही बढ़ है, गई है, रुको रुको, महंगाई अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। रुपया जब गिरता है उस टाइम पे एक्सपोर्ट बढ़ जाता हाँ सही बात है, महंगाई बढ़ गई यानी रुपया कमजोर हो गया, अब है। रुपया कमजोर हो गया तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो फोर्थ भी सही है, ठीक है। अब आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स, क्रेडिटर मतलब जिसने, बैंक अच्छा, क्रेडिटर मान सकते कर्ज देने वाला, कर्ज देने हैं। वाला, कर्जदाता, तो भाई महंगाई बढ़ गई है तो जो क्रेडिटर होगा वो ज्यादा कर्ज देगा या कम कर्ज देगा, कम कर्ज देगा, है ना, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ती है बढ़ने के तो टाइम तो कर्ज, उसने दिया होगा खूब, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है, बाद में अरे वो उसमें कम ये देगा पूछा ही नहीं लेकिन। है, उसमें ये पूछा ही नहीं इन्फ्लेशन क्यों बढ़ गया है, उसमें पूछा है इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो सरकार क्या कोशिश करेगी, कर्ज ज्यादा दिया कम जाए या कम दिया जाए, कम देने का कोशिश करेंगे वो तो, देने की वो कोशिश होगी, तो तो पांचवा गलत हो डिस्कशन गया, में ठीक आएगा। है, तो तो वन वन थ्री फोर डिस्ट होना चाहिए इसका, ये वाला सिक्स का सी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होना वेल्थ, ये तो चाहिए। सही लग रहा है। मुझे सिक्स्थ का डी दे रखा है अच्छा यार, डी तो भाई गड़बड़ हो मतलब गई, मन कि वन गलत है इसमें, बाकी सारे सही है। गलत तो है, पता नहीं कैसे, पांचवा अरे भाई तो लग रहा था पढ़ मुझे, ले। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स टू डेटर्स। पहले पहला तो गलत ही लग रहा है वैसे, अभी भी देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया। इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड तो एज अ इसमें यह है सस्टेन्ड कि राइज। इन्फ्लेशन जो है उसको हमने डिफाइन करा है, एक सस्टेन्ड राइज हुआ है जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज में, जो कीमतें हैं वो बढ़ गई, परसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, मतलब एक तो इसने कहा सस्टेन्ड राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस, और फिर अब परसिस्टेंट राइज, देयर आर मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एन इकोनॉमी बोथ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। अब जो राइजिंग इन्फ्लेशन है इंडिकेट्स राइजिंग एग्रीगेट डिमांड, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई है वो इंडिकेट कर रही है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, एंड इंडिकेट्स कंपेरेटिवली लोअर सप्लाई एंड हायर परचेजिंग कैपेसिटी अमंग कंज्यूमर्स। एक अच्छा इन्होंने वो सेकंड, क्या लिया लिखा है? राइजिंग इन्फ्लेशन इंडिकेट्स राइजिंग एग्रीगेट डिमांड एंड इंडिकेट्स कंपेरेटिवली लोअर सप्लाई। सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ गया है, ये कहना चाहता है ये। है, हाँ इससे हमें ये पता हाँ चल रहा है कि परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई है कंज्यूमर्स की, तभी महंगाई बढ़ी है, ठीक तो उनके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, तो मतलब चीजें कम है, लोग ज्यादा हैं लेने वाले, तो उसका दाम बढ़ ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। है। यूजुअली हायर इन्फ्लेशन सजेस्ट द प्रोड्यूसर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल एज इट इज जनरली कंसिडर्ड एज एन इंडिकेशन ऑफ हायर डिमांड इन द इकोनॉमी। क्या यार ये भी गलत हो गया, इतना इजी क्वेश्चन था मेरे से, मतलब तुम तो कह ही रहे थे कि वन गलत होना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज बूस्टेड बाई इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ टू रीजन, हायर इन्फ्लेशन इंडिकेट हायर डिमांड, ओहो, एंड सजेस्ट द एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन लेवल, ये हायर द दूसरा अगर इन्फ्लेशन सोच लोअर लेते द, तो तीसरा सोच लेते वो दोनों रिलेटेड है आपस में, हाँ दूसरा और तीसरा। हाँ मतलब सही कह रहे हो, मतलब तीसरा तो सही हो ही गया था, तुमने सही बोला ही था बिल्कुल, मैं तो वो भी नहीं समझ पाया था एकदम से, वही विद एवरी इन्फ्लेशन द करेंसी ऑफ द इकोनॉमी डेप्रिशिएट्स प्रोवाइडेड इट फॉलोज द फ्लेक्सिबल करेंसी रेजी, सही है, दो इट इज अ कंपेरेटिव मैटर देयर माइट बी इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द फॉरेन करेंसी अगेंस्ट विद द करेंसी रेट इज कंपेयर्ड, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। फिर हम बात करते हैं, ये मुझे फिफ्थ इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स भी बहुत सही था ही, थ्री और फोर तो साथ में हो ही गए थे, पांचवा मुझे अभी भी वो बहुत क्लियर नहीं हुआ, देख लेते इन्फ्लेशन हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर्स, लेंडर सफर्स एंड बोरोअर बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन। मतलब जिन्होंने पैसा ले रखा है उनको फायदा होता है, जिन्होंने लोन दिया है उसका नुकसान होता है। द ऑपोजिट इफेक्ट्स हाँ टेक सही तो प्लेस। है यार, सही तो है बात, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कहते हैं, मैंने लोन दिया और मैंने किसी को लोन दिया, मैंने लोन दिया था 2 रुपए का, ठीक है, मैंने ब्याज पे दिया था कितने का भी, 1 साल में 50 पैसे का, तो मुझे 2.5 रुपया वापस मिलेगा, लेकिन जब महंगाई बढ़ गई तो
तो वो जो बोरोवर होगा उसका फायदा कैसे हो रहा क्योंकि है? वो दो बोरोवर रुपए जो, के दो 2 रुपए का कीमत उस टाइम पे शायद 3 रुपए हो गया, वैसे भी तो हो सकता है। अरे नहीं यार, महंगाई बढ़ती है तो 2 रुपए की कीमत 1 रुपए हो जाती है। हाँ नहीं, उसके वो इकोनॉमी में वो रुपए की, जैसे पहले क्या था कि मान लो कि किसी 1 डॉलर का 10 रुपए था, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो अगर 10 का 15 होता है तो वो पैसा तो बढ़ रहा है ना, वैसे भले उसका परचेजिंग नहीं पावर कम हो रहा है लेकिन पैसा बढ़ मेरे, रहा है, अरे शायद इसलिए कर रहा हूँ। नहीं नहीं मतलब बात यह है कि महंगाई बढ़ने का जरूरी मतलब ये थोड़ी ना कि रुपए के कंटेक्स्ट में ही हुआ है। ऐसा हो सकता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो नॉर्मल हो और उसके अलावा इंडिया में जो महंगाई है वो ज्यादा बढ़ गई। तो इंडिया में महंगाई बढ़ गई अगर हम कह रहे हैं, तो मैं पहले 1 रुपए से एक पेंसिल खरीद पाता था, अब मैं 2 रुपए में एक पेंसिल खरीद पा रहा हूँ, तब तो रुपए की वैल्यू कमजोर हुई है। रुपया कमजोर हुआ है ना, महंगाई बढ़ने पर रुपया कमजोर होता है। अब रुपया कमजोर होता है तो चलो इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा होगा शायद, इन्फ्लेशन रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर टू डेटर्स, दैट इज द लेंडर सफर एंड बोरोवर्स बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन। द अपोजिट इफेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन इन्फ्लेशन फॉल्स। विद द राइज इन इन्फ्लेशन, जब महंगाई बढ़ती है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस फील द प्रेशर ऑफ हायर लेंडिंग। अच्छा, इनका कहना यह है कि जब महंगाई बढ़ती है तब जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं यानी कि कर्ज देने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उनको ज्यादा कर्ज देना है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि जो लोग हैं उनके हाथ में पैसा है और वो सोच रहे कि हम ज्यादा कर्ज ले लें। अब इंस्टीट्यूशंस डोंट रिवाइज द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज द रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉल्स बाय द सेम परसेंटेज विद विच द इन्फ्लेशन राइजेस। अरे भाई क्या कहना, क्या चाह रहे हैं ये, पता समझ नहीं में यार, आया? मुझे तो यही लग रहा है जो मैं पहले कह रहा था कि देखो इसमें दिया है रियल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इंस्टीट्यूशन वो रिवाइज नहीं करते हैं, उसका मतलब ये होगा कि द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन, तो उनका पैसा जो दिया हुआ होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पैसा मान लो दिया है 2 लाख दिया है तो उनको मिलेगा मान लो कुछ दिन बाद 2.5 लाख मिलने का होगा, लेकिन बीच में जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसी पैसे की कीमत 3 लाख हो गई होगी शायद, मतलब मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ऐसा हो रहा होगा, बाद में देख लेंगे बाकी, क्योंकि हाँ चलो। ये इंटरेस्ट रेट तो रिवाइज नहीं करा ना, वही तो लिखा है बीच में, इसमें ऐसे होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन लिखने के हिसाब से तो यही आ रहा है समझ जहां तक आ रहा हाँ वो तो बात सही है, बड़ा अजीब सा सवाल, हर ही क्वेश्चन में फंस है। जा रहे हैं भाई। अगला प्रश्न करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स, ये पता नहीं था कि इकोनॉमिक्स में खोलता नहीं इसको। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस और द सेम बास्केट ऑफ गुड्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड एंड सर्विसेज इन डिफरेंट सर्विसेज, कंट्रीज। ठीक है चलो, ठीक है ये तो। हाँ, पीपीपी अलाउज फॉर ठीक है सही इकोनॉमिक टू कंपेयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बिटवीन है। कंट्रीज, ये भी सही होना चाहिए, तो इसका सी हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है ये सही है, इसको नहीं देखते हैं। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, द एग्रीगेट डेट ऑफ GSDP रेशियो ऑफ स्टेट्स वाज ग्रेटर देन द दैट ऑफ सेंटर इन 2021, एग्रीगेट डेट तो हाँ ये तो कई राज्यों का है, लेकिन अब केंद्र से ज्यादा है कि नहीं तो एवरेज देखिएगा ना, फिर कई राज्यों का, जैसे तेलंगाना का सबसे ज्यादा है, तेलंगाना का 45% है, अभी कल ही मैंने पढ़ा। पता नहीं, मतलब मुझे लग तो रहा है कि शायद सही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें एग्रीगेट डेट की तो इतने सारे राज्य हैं उनका मिला के जो कर्जा होगा हो सकता है कि स्टेट से ज्यादा हाँ ही, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसे, ज्यादा ही हो। हाँ 3 4 राज्य हैं जैसे उनका बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तो इन सबका ज्यादा ही है, मैक्सिमम नहीं राज्य किस के ज्यादा ही है, तो सेंटर से, हाँ जो उनका GSDP वो है उनका अगर जो, सेंटर से उनका एक यूपी का ही ज्यादा है तब तो 100% सारे राज्यों का मिला के केंद्र से ज्यादा ही होगा। नहीं सबसे सबसे ज्यादा है तेलंगाना का, उत्तर प्रदेश का है ज्यादा, मतलब जितना होना चाहिए बहुत मतलब ज्यादा है, सबसे ज्यादा का मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, कि केंद्र से मतलब ज्यादा है या विद इन इन नहीं, राज्यों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा है? राज्यों में सबसे ज्यादा है, और जो केंद्र हो अच्छा है होगा, केंद्र का नहीं पता मुझे कितना है, लेकिन अभी कल ही मैंने पढ़ा था इसका 45% है इनका तेलंगाना का, तो ये जो सही होगा दूसरा पॉइंट है पहला। वो लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेट टू जीडीपी रेशियो हैज नेवर क्रॉस द 50%। ये तो गलत ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी क्रॉस ही ना हुआ हो। 50% लेकिन बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से तो शायद, 50% लिमिट ही होती कभी है, तो ये गलत होगा, नेवर क्रॉस तो नहीं होगा, करा होगा कभी ना कभी। तो 1 only हो जाना चाहिए इसका, देख लेते हैं आंसर, इसका आंसर सी है, मतलब हाँ ये 41% है शायद वो सेंटर वाला, मुझे याद नहीं आ रहा एट्थ का था देखो ठीक, आंसर, एट्थ का देखो है ना, सेवन्थ का देखा तुमने? एक सेकेंड, 8 का D दे रखा है, दोनों गलत है, बहुत अच्छे।
देखते हैं क्या दिया इसमें। पंजाब का 53% दे रखा है, ये पुराना दे रखा है लग रहा है, या तो फिर मैंने जो पढ़ा है वो पुराना होगा। 45% दिया था तेलंगाना का, दिया नहीं इसमें। इसमें जो दिया है उसमें तो ये लिखा है कि जो एग्रीगेट डेटा है स्टेट का रीच्ड अ 15 ईयर हाई, 31.3% ऑफ जीडीपी पहुंचा था फाइनेंशियल ईयर 21 में, एंड इज सीम टू बी एट रफली द सेम लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव बजट एस्टीमेट। स्टेट्स विद द हाईएस्ट डेट टू जीएसडीपी रेशियो आर पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, ऑल दीज स्टेट्स रिसीव रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट फ्रॉम द सेंटर। द सेंटर्स डेट वाज सेंटर का ज्यादा है भाई, इन सब का मिला के भी केंद्र से कम ही है। ठीक है, अब इट फेल स्लाइटली टू 57.6% द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2022। तो ठीक है, मतलब दूसरा तो हमने सोच ही लिया था कि मतलब इंडिया का जो इंडिया डेट बर्डन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 58.8% ऑफ द कंट्रीज ग्रॉस जीडीपी इन 2022। ये ठीक है, कौन से महीने का ये इसमें यूज किया? मैंने सितंबर वाले में पढ़ा था तेलंगाना का सबसे ज्यादा दिया, पता नहीं कैसे। तुम्हारा सही होगा वो, क्योंकि ये जो पेपर होगा ना, ये तो मुझे लगता है कि जून जुलाई अगस्त में हुआ होगा, हाँ तो तो तुम्हारा सितंबर डेटा वाले जो होगा विजन वो, आईएएस वाले में दिया है, सितंबर वाले विजन हाँ, तो आईएएस तुम्हारा जो डेटा होगा वो ज्यादा करेक्ट होगा, इसमें नहीं होगा उतना करेक्ट डेटा, वो में, तो बात इसमें है ही, सेकंड ठीक पे है पंजाब ना। हाँ वो होगा, लेकिन जो ये चीज है वो इन्होंने सही कही होगी कि सारे राज्यों का टोटल केंद्र का मिलाकर भी केंद्र से ज्यादा ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, होगा। हाँ 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 वो बात है। अगला ठीक है देखते फिर हैं, तो। अब आता है, इट इज एन इकोनॉमी दैट यूजेज अ सिस्टम फोकस्ड अप्रोच एंड इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव बाई डिजाइन। ये इनेबल करता है रिसोर्सेज यूज इन द प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज टू मेंटेन देयर हाईएस्ट वैल्यू फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड एम्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट थ्रू द सुपीरियर डिजाइन ऑफ मटीरियल प्रोडक्शन सिस्टम। तो इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है अबव डिस्क्रिप्शन को? इसमें जो बात आ रही है ना मेन, जो मुझे समझ में आया, ये यूजेस सिस्टम फोकस्ड अप्रोच, मतलब सिस्टम मतलब फोकस्ड अप्रोच जो और चीज इंडस्ट्री, यूज हो रहा है, जो भी चीज यूज हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक यूज करने का, या तो सर्कुलर होगा फिर रीजनरेटिव। रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेटिव की बात हो रही है ना। तो इट इनेबल्स रिसोर्सेज टू मेंटेन द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब जितना ज्यादा यूज कर सको उतना यूज करना है, नेम्स को एलिमिनेशन, वेस्ट को हटा देना है। तो गिग इकोनॉमी तो बिल्कुल नहीं है, गिग इकोनॉमी का तो कोई हाँ मतलब ही नहीं है यहाँ, ठीक है। अब इसमें वेस्ट को हटाने की बात हो रही है और जितना लंबा समय तक चला सको वो बात है, तो पता नहीं, मतलब रीजेनरेटिव सर्कुलर लग रहा है। इकोनॉमी भी मुझे भी हाँ ये रीजनरेटिव ही बी लग रहा या डी में से कोई होगा, ज्यादा चांसेस बी के हैं क्योंकि सेम टू सेम ही है। है। सर्कुलर तो नहीं है, सर्कुलर में तो ये होता है कि उसको दोबारा से घुमा के यूज करना, तो शायद बी ही होगा। तो आंसर इसका डी होगा, सर्कुलर वाला ही होगा। ओ भाई सर्कुलर है, ठीक है, बी या डी में से ही लग रहा था मुझे। इट रिफर्स हाँ टू वो तो इकोनॉमी सही दैट है ऐसे, हैंडल मुझे भी सिस्टम पहले लग वही रहा था, फोकस। लेकिन इसे पढ़ लेते हैं वो कुछ तो, कुछ वर्ड्स मैच कर रहे थे ना, जैसे सीधे रीजेनरेटिव दे रखा था हाँ वो इसलिए। रीजेनरेटिव बार बार लिखा आ रहा था ना, उस चक्कर में वो कंफ्यूजन हो गया। तो इसमें सर्कुलर इकोनॉमी में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी जो एक सिस्टम यूज करता है, सिस्टम फोकस्ड अप्रोच एंड इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है दैट आर रिस्टोरेटिव और रीजेनरेटिव बाई डिजाइन। Enables resources used in such processes and activities to maintain their highest value for as long as possible and aim for the elimination. का मतलब होता है eliminate कर देना of waste through the superior design of materials, products and systems. In a circular economy, materials for new products come from old products. नए प्रोडक्ट का मटेरियल पुराने से ही आ जाता है। यार ये वाली लाइन लिखी होती ना तब तो सही हो जाता, मतलब कोई भी कर देता इसको। तो लेकिन इन्होंने वो दिया ही नहीं कि नया प्रोडक्ट ओल्ड से बन रहा है और एवरीथिंग इज रीयूज रीमैन्युफैक्चर्ड एंड एज ए लास्ट रिजॉर्ट रिसाइकल्ड बैक इन टू द रॉ मटेरियल। ठीक है मैम, अच्छा क्वेश्चन था ये अगला भी। क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैड बैंक। बैड बैंक तो होता है ना जो लोन देके फंस जाता है। नहीं, बैड बैंक वो होता है जो लोन खरीदता है, जो बैड एसेट बैंक। खरीदता है, डूबा हुआ, डूबी हुई संपत्ति को जो खरीदता है उसे कहते हैं। अच्छा ये वसूली का काम करते हैं वो वाले हैं ये शायद ना। हाँ ये वो है। तो इट इज एन एंटिटी सेटअप टू बाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट फ्रॉम द बैंक एंड सेल देम टू इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स, ये सही सही है। है, इन्वेस्टर इन्वेस्टर होगा यहाँ पे। देखते हैं और देखते हैं क्या दिया। सही है। चलो, नेशनल नेशनल एसेट नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैज बीन सेटअप एज अ बैड बैंक। ये तो प्राइवेट कंपनी है, कोई मेरे हिसाब से बैड बैंक नहीं है, ये काम यही नहीं, करती है, इसको लेकिन ये सरकार बैड ने बैंक नहीं है। बनाया था, ये सरकार ने वसूली के लिए बनाया था इसको, लेकिन अच्छा, रिजर्व लेकिन बैंक ने मुझे नहीं जहां तक बनाया लगता है था। कि ये बैड बैंक
नहीं है ये, मतलब उससे पहले का है। पता नहीं, लेकिन इसको सरकार ने बनाया तो है, लेकिन रिजर्व बैंक का तो नहीं भाई वो है बैड बैंक जो सर। होता है वो सरकारी होता है, बैड बैंक सरकारी ही होता है, तो उससे अच्छा पहले बना हुआ था, ये ओके, प्राइवेट एंटिटी है जहां तक मेरे ध्यान आ रहा है। और बैड बैंक जो है वो अब सरकार ने सोचा कि हम बनाएंगे, तो ये उसमें वो क्वेश्चन भी आता है कुछ प्राइवेट, कि बैड, तो प्राइवेट के साथ नेशनल नाम जोड़ सकते हैं क्या? पता जोड़ सकते होंगे शायद, नहीं, मुझे तो नहीं लगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे ए हिसाब से बस होगा ये ना। होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। हो सकता है भाई सी भी हो जाए, तो भरोसा नहीं है। मुझे ये वाला सही लग रहा है, लेकिन रिजर्व बैंक नहीं लग रहा है इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो हो सकता है मेरे हो हिसाब जाए से तो सही, प्राइवेट है ना ये, इस वजह से हो बैड बैंक होगा सकता ही नहीं, बैड बैंक सरकारी है। क्या दिया इसका है। आंसर, ये क्या है दिया ऑनर्स। हाँ, इसका, इसका आंसर यही ए दे रखा दिया है है। इसमें। ठीक हाँ, तो इसको पढ़ लेते, रुक जाओ। बैड तो बैंक इज बैड बैंक जो है एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल एंटिटी है जिसको सेटअप किया इंस्टीट्यूशन। गया है टू बाय द नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड लोन्स फ्रॉम बैंक। अब इसका जो एम है इसको सेटअप करने का, वो यही है कि हम ईज कर देंगे द बर्डन ऑन बैंक बाई टेकिंग बैड लोन्स ऑफ देयर बैलेंस शीट एंड गेट देम टू लेंड अगेन टू कस्टमर्स विदाउट कंस्ट्रेंट। इससे बैंकों का फायदा हो जाएगा। आफ्टर द परचेज ऑफ अ बैड लोन फ्रॉम अ बैंक द बैड बैंक मे लेटर ट्राई टू रिस्ट्रक्चर एंड सेल द एनपीए टू इन्वेस्टर्स हु माइट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट। तो बैड बैंक एक प्रॉफिट बनाता है इन इट्स ऑपरेशंस इफ इट मैनेजेस टू सेल द लोन एट अ प्राइस हायर देन व्हाट इट पेड टू एक्वायर द लोन फ्रॉम अ कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब ये जो है इसको अकंपनी किया गया है, मतलब ये जो एन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड हैज अप्लाइड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर लाइसेंस एज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक हैज बीन सेटअप बाय द कमर्शियल बैंक, वही मैं कह रहा था ना, सरकारी नहीं है ये, तो ये बैड बैंक नहीं कहेंगे इसको। टू एग्रीगेट एंड कंसोलिडेट द स्ट्रेस्ड एसेट्स फॉर देयर इतना पब्लिक सेक्टर बैंक विल मेंटेन 51% ओनरशिप इन एनएआरसीएल। ठीक है, तो फिर तो वाइल सरकारी हो गया ना एनएआरसीएल, ये। देखो, अच्छा मतलब एनएआरसीएल है बिल्कुल, जो, हाँ उसने अप्लाई किया रिजर्व बैंक के लिए कि एआरसीएम को बना दो, और कमर्शियल बैंक सरकारी हो सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि प्राइवेट ही हो। और इसमें इक्यावन हाँ वो परसेंट तो ठीक ऑनरशिप है, एनएआरसीएल का ही है, हो गया लेकिन लेकिन सरकारी। मुझे जो अभी भी ध्यान है वो यही है कि इसको बैड बैंक नहीं कहते। मैं एक बार नोट्स में देख लूंगा अपने, ठीक हाँ, बैड बैंक नहीं होगा, हो सकता है। इसको बैड बैंक नहीं कहते, मैं तब यही कह रहा था ना। तो व्हाइल द एनएआरसीएल विल एक्वायर एंड एग्रीगेट द आइडेंटिफाइड एनपी अकाउंट फ्रॉम द बैंक्स द डेट रेजोल्यूशन प्रोसेस विल बी हैंडल्ड बाई इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसको चलो मैं देखता हूँ बैड बैंक वाला, कि इसको शायद बैड बैंक नहीं कहते हैं। नहीं, बैड बैंक नहीं होगा, बैड बैंक तो वो नहीं होगा, लेकिन ये है कि मतलब सरकारी होगा, क्योंकि इसके नाम में ही नेशनल है ना, इसलिए मुझे लग रहा है ज्यादा, बाकी मुझे पता नहीं है, लेकिन सरकारी होगा ये। अगला प्रश्न करते हैं, विद रेफरेंस टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी 2016, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंपनीज हैव टू कंप्लीट द एंटायर इंसॉल्वेंसी एक्सरसाइजेस विद इन 180 डेज, 180 दिन है। डेटर एंड क्रेडिटर बोथ कैन स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट ईच अदर। डेटर एंड क्रेडिटर बोथ कैन स्टार्ट रिकवरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट ईच अदर। दोनों आपस में कैसे कर सकते हैं यार? वो करेगा ना जो, जिसने लोन दिया है। नहीं दूसरा भी कर सकता है, कर सकता है, मैं बताता हूँ कैसे कर सकता है। जैसे कि मान लो मेरी कंपनी है, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, मैंने लोन लिया बैंक से, और मेरे से लोन लेने के बाद में मेरे बस की नहीं रहा उस कंपनी को चलाना, और मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं इस कंपनी को चलाता रहा तो कंपनी डूब जाएगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद कहूंगा दैट आई वॉन्ट टू सेल माई कंपनी। तो जब मैं अच्छा, पहले हाँ ऐसा हाँ करता था उस टाइम पे जो दिक्कत ये आती थी, जैसे चक्रव्यूह सिस्टम भी होता है कि कंपनी खोलना आसान है, उसे बंद करना बहुत मुश्किल है, उसको बेचना बहुत मुश्किल है। तो देर विल बी द रिजोल्वेंसी प्रोफेशनल्स हु विल ट्राई टू सेल माई एसेट ऑन माई बिहाफ, और जो कोई बड़ी कंपनी होगी उसको खरीद लेगी, जिसको ये लगेगा कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, और अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो इस कंपनी को फिर से उठाया जा सकता है। तो उस हिसाब से इसका दूसरा सही होगा, चक्रव्यूह सिस्टम। वो किसी इकोनॉमिक सर्वे में भी बात आई थी कि अभिमन्यु की तरह अच्छा, घुस तो गए लेकिन निकल नहीं पा रहे। अब तीसरा जो लग रहा है मुझे वो गलत लग रहा है, इसमें लिखा है कि ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज पे लागू नहीं होता, तो होता होगा मेरे हिसाब से। तो फिर आता है इट हैज सेट अप द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसा बोर्ड मैंने कोई देखा तो है नहीं अभी तक, किसी बोर्ड का नाम हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो मुझे चौथा भी गलत लग रहा है, ए होना चाहिए शायद। और चौथा तुम बताओ, वाला, चौथा वाला तो सही लग रहा है यार, मुझे तो लग रहा है कहीं सुना था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड। देखो उसके लिए जो होता है रिजोल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं जो मैंने सुना है,
कोई बोर्ड तो बनता नहीं नहीं ऐसा। अच्छा नहीं नहीं शायद बनता होगा यार, IBBD बनता तो है शायद। 1-4 है कोई बनाती है सरकार, इसको, लेकिन 1-4 नहीं है कोई ऑप्शन। देखो तो यानी कि या तो ए होगा या डी होगा, तीसरा भी ये सही होगा बोर्ड फिर। बनता है कि नहीं, लेकिन ये प्रोफेशनल वाला होता है सरकार, कुछ लोगों को उनको करती है हाँ कि वो आप लोग तो सही कह रहे हो, तो। तो बोर्ड बनता होगा, बोर्ड बनता होगा, सही कह रहे हो भाई। तो फोर्थ तो भी सही होगा, तो चौथा इसका फिर डी हो जाएगा, 1-2-3 तीसरा भी हो, सही होगा फिर तीन शायद। इट डज नॉट अप्लाई टू गलत फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स लाइक बैंक। द बैंक्स जो हैं वो कहते हैं कि मैं तो कंगाल हो गया भाई, मुझे भेज दो, हाँ। तो मैनेजमेंट भेज बैंक दो, नहीं शायद होना ऐसा होगा, बोल ये रहे। इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आया था, तो बैंक के लिए नहीं होगा। सही है, ये भी तो सही डी है, हो गया, डी होगा इसका फिर, डी होना चाहिए फिर। देखो क्या डी दिया, होगा इसका आंसर। इसका डी दे रखा है, सही है। 180 दिन का ही है वो टाइमलाइन। एक सेकंड इसको पढ़ो, मैं आता हूँ ना, एक सेकंड। हाँ हाँ ठीक है। तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है 2016 में आया था, टू क्रिएट द टाइम बाउंड प्रोसेसेस फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स। कंपनी हैज टू कंप्लीट द एंटायर इंसॉल्वेंसी एक्सरसाइज 180 दिन के अंदर अंदर। डेडलाइन मे बी एक्सटेंडेड इफ द क्रेडिटर्स डू नॉट रेज ऑब्जेक्शन ऑन द एक्सटेंशन। जो डेडलाइन है उसको बढ़ाया जा सकता है यदि जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब जिसने कर्ज दिया है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता उस एक्सटेंशन को लेकर। ठीक है, उसके बाद में बात आती है मैंने डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफर। अगर रीपेमेंट करने में उसने कोई डिफॉल्ट करा है, क्रेडिटर्स को कंट्रोल मिल जाता है डेटर जो जिसने लोन लिया उसकी संपत्ति के ऊपर, और उसको मस्ट टेक द डिसीजन, उसको डिसीजन लेना होगा टू रिजोल्व द इंसॉल्वेंसी। IBC में डेटर और क्रेडिटर दोनों ही स्टार्ट कर सकते हैं रिकवरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ईच अदर। एक एक्सेप्शन है टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड दैट इट शैल नॉट अप्लाई टू कॉर्पोरेट पर्सन हु आर रेगुलेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर आता है जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसको स्टेब्लिश किया गया था अंडर दी IBC। इट हैज रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। इट राइट्स एंड इन्फोर्सेज रूल्स फॉर प्रोसेसेस नेमली कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कॉर्पोरेट। ठीक है, मतलब वो सब हो गए। अब इसके रिलेवेंस ये है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल इज लिस्टेड फॉर इंट्रोडक्शन इन 2002 मानसून सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। इसको पढ़ो थोड़ा, मैं कुछ खा रहा हूँ ना, तब तक मैं खाता रहता हूँ, हाँ नहीं तो ठीक वो है। बेकार हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द विलफुल डिफॉल्टर्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ विलफुल डिफॉल्टर इज अ पर्सन हु सेल्स एसेट्स गिवन एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन विदाउट इन्फॉर्मिंग लेंडर्स। तो विलफुल डिफॉल्टर वो है जिसने अपनी संपत्ति बेच दिया जो उसने सिक्योरिटी के तौर पर रखी थी लोन के लिए, विदाउट इन्फॉर्मिंग लेंडर्स। देखो विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जिसके पास में लोन चुकाने की क्षमता होती है और वो लोन चुका नहीं रहा होता, हाँ, उसको कहते बोल हैं दे कि मैं विलफुल दिवालिया हो डिफॉल्टर। गया। हाँ वो कह दे दिवालिया हो गया, ये भी बात हो सकती है। फिर रहता है ओनली इंडिविजुअल्स एंड नॉट कंपनीज कैन बी टर्म्ड एज विलफुल डिफॉल्टर्स। मतलब नहीं, अब सोचना सबको कर पड़ेगा ये लेते हैं। काम। नहीं, हो सकता है, सबको हो सकता है। पहले ऐसा था शायद, लेकिन अभी सबको ले लिया है। द डिफॉल्ट अमाउंट नीड्स टू बी एटलीस्ट 25 लाख रुपए। नहीं ये थर्ड तो गलत लग रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि 25 लाख से कम है तो उसको हम विलफुल डिफॉल्ट मानेंगे ही नहीं। उसको क्या हम आजादी दे देंगे कि चलो तुम छोड़ दो, 20 लाख लिए तो तुम ना भी दो तो चल जाएगा। थर्ड तो गलत हो गया। फिर विलफुल डिफॉल्ट इज फॉर एवर बार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। ये तो ठीक ही लग रहा है मुझे, फॉरेवर नहीं मतलब फोर्थ होगा, को फॉरेवर ज्यादा हो गया कुछ। ज्यादा तो हो गया। विजय मान लिया जैसे, उसको क्या भविष्य में लोन दे सकते हैं? मुझे तो लगता है उसको जीवन भर के लिए बार्ड कर देंगे। हाँ, वो तो अगर है। कोई जान, खुद सोचो ना, कोई व्यक्ति जो है विलफुल डिफॉल्टर क्या है, उसने तो डकैती करी है, पैसा ले लिया, उसने मांग रहे हैं, उसके पास पैसा है चुकाने का, कह रहा मैं नहीं चुकाऊंगा, और उसके बाद तुम तो उसे फिर से लोन क्यों दोगे? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है वो तो। तो इसका क्या कहते हैं, फोर्थ तो पक्का सही ही होना चाहिए, तो ए और बी चले गए। ठीक है, अब बात आती है 3-25 लाख की लिमिट भी नहीं होनी चाहिए, तो थर्ड भी चला गया, थर्ड भी चला गया तो सी ही बचता है इसका आंसर, 12th लेकिन का। ये पता है, ये जो था ना पहले, कि जैसे मान लो कोई कॉन्ग्लोमरेट, जैसे कोई एक कंपनी का मालिक है, उसके कई सारे कंपनी है, ठीक है, जैसे अडानी ग्रुप हाँ का हाँ एग्जांपल ले लें, तो जो अगर एक कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है, तो पहले ऐसा था कि बस वही कंपनी फंसेगी, मतलब कोई एक उसका अच्छा सब्सिडरी फंसेगा। लेकिन अभी क्या है कि अगर मालिक का और सारी कंपनी है, तो सबको लेगा लपेटे में, ऐसा कोई आया था। लेकिन उसका विरोध हो रहा था इसलिए, क्योंकि अब किसी किसी का होता है ब्रांच विदेशों में, तो वहां पे कानून दूसरा है, तो ऐसे में फंस जाएगा। लेकिन ये पास नहीं हुआ था शायद, इस पर बहस हो रही थी, लेकिन हुआ नहीं था। ये अच्छा आंसर इसका देखते हैं, ट्वेल्थ तो ट्वेल्थ का बी दे रखा आंसर, ओ भाई साहब, यानी कि वन फॉर एट। एवर नहीं होता।
सही कह रहे थे वही तुम। मुझे लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम है ना, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करना। अभी यार तो फोर्थ उड़ा देते हम, तो क्या दिया 1 एंड 3। 1 एंड 3। हाँ सेकंड तो गलत। अच्छा तुम तो कह ही रहे थे कि कंपनीज भी आती हैं। अरे और ये भैया पता है, ये वाला मैंने बायजूस का वो है ना जो आता है इकोनॉमी दिस वीक, उसके वाले में ही सुना था मैंने, ये जो अभी जनवरी में आया था अच्छा उसमें ही था। अच्छा तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो तब तक मैं करता हूँ। तो जो डिफॉल्ट है उसका मींस नॉट मीटिंग लोन रिपेमेंट ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अ डिफॉल्ट इज विलफुल व्हेन इट फुलफिल्स वन ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशंस। अ बोरोवर डज नॉट पे अप इवन व्हेन इट हैज द कैपेसिटी टू पे। अ बोरोवर हैज नॉट यूज्ड द लोन फॉर द पर्पस बोरोड एंड डाइवर्टेड इट एल्सवेयर। तो डिफॉल्ट में चार तरीके के विलफुल डिफॉल्ट होते हैं। एक तो हो गया जो बोरोवर है उसने लोन लिया और उसको चुकाया नहीं। दूसरा है कि बोरोवर जो हैज नॉट यूज, मतलब उसने जिस पर्पज के लिए लोन लिया था उसको नहीं करा, उसने कुछ और, जैसे वो कहते हैं ना कि किसी ने लोन लिया था खेती करने के लिए और कर दी शादी, तो वो तो हाँ। बहुत कॉमन आता है डाइवर्ट होने में। फिर बोरोवर हैज साइफंड ऑफ द फंड्स एंड द मनी इज नॉट अवेलेबल विद इट इन द फॉर्म ऑफ अदर एसेट्स। तो साइफंड ऑफ मतलब मतलब किसी उसको गायब कर दिया, पैसे कहीं और लगा दिए, पता बता नहीं रहा है, पैसे खा गए मान लो, उड़ा दिए। अ बोरोवर सेल्स एसेट्स गिवन ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन विदाउट इन्फॉर्मिंग द लेंडर। हाँ यार 1 तो बिल्कुल ठीक होना ही चाहिए था, पता नहीं क्या सोच के 2 एंड 4 लगा दिया। क्योंकि वो तो है ही ना कि तुमने जो सिक्योरिटी थी उसको एकदम से उड़ा दिया, मतलब जो तुमने संपत्ति गिरवी रखी थी उसको बेच दिया। जबकि हो ये जाता है कि तुमने संपत्ति गिरवी रख दी तो उसके कागजात तो एक तरीके से बैंक के पास में आ गए, कि बैंक से बिना पूछे तुम उसका कुछ कर नहीं सकते संपत्ति का। अब फॉलोइंग उसके बाद आता है, फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज विलफुल डिफॉल्टर्स इंडिविजुअल्स, जस्टिस पर्सन, जैसे कॉर्पोरेशन भी आ जाते हैं उसमें, ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है कैन नॉट टर्म एन एंटिटी और एन इंडिविजुअल अ विलफुल डिफॉल्टर इन फॉलोइंग केसेस। मतलब किन केसेस में उसको हम विलफुल डिफॉल्टर नहीं मानेंगे। अब वन ऑफ केस ऑफ डिफॉल्टर नीड्स टू टेक इनटू अकाउंट द रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब कि पहली बार ऐसा हो गया कि बेचारा पैसे नहीं चुका पा रहा है और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख रहे हैं हम। द डिफॉल्ट शुड बी एस्टेब्लिश टू बी इंटेंशनल, मतलब उसने जो डिफॉल्ट करा है वो जानबूझ के किया हो, तभी हम उसको मानते हैं कि भाई वो विलफुल डिफॉल्टर है। एंड द डिफॉल्टर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम। द डिफॉल्टर शुड ऑल्सो बी गिवन अ चांस टू क्लैरिफाई हिज स्टैंड ऑन द इशू। भाई तुम अपना स्टैंड दे दो। डिफॉल्टर अमाउंट नीड्स टू बी एटलीस्ट 25 लाख टू बी इंक्लूडेड एट द कैटेगरी ऑफ। यार ये तो गलत बात है, उससे लिमिट भी कम लगा में रखे उसको हैं। विल, यही तो उसमें तीसरे ऑप्शन में दिया था जो मुझे लग रहा था कि ये तो पक्का ही गलत होगा। रहता है इफ एन एंटिटीज और इंडिविजुअल्स नेम फिगर्स इन द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शंस गेट इन एक्शन ऑन देम, बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बार्ड फ्रॉम अवेलिंग एनी फर्दर बैंकिंग फैसिलिटीज एंड टू एसेट एक्सेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर 5 ईयर्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। तो बस 5 साल स्टेटमेंट के फोर भी लिए। गलत हो गया। मतलब हाँ 5 साल तक वो कुछ नहीं कर सकता। फिर द लेंडर कैन इनिशिएट द, लेंडर क्या करेगा, इनिशिएट कर सकता है द प्रोसेस ऑफ रिकवरी विद फुल विगर एंड कैन इवन इनिशिएट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इफ रिक्वायर्ड। तो मतलब क्रिमिनल साम साम प्रोसीडिंग भी बैंड चल वगैरह कुछ सकती भी इस्तेमाल करके उसे पैसे लेने हैं बस। है। द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस मे नॉट अलाउ एनी पर्सन रिलेटेड टू डिफॉल्टिंग कंपनी टू बिकम अ बोर्ड मेंबर ऑफ एनी अदर कंपनी एज वेल। किसी दूसरी कंपनी का भी बोर्ड मेंबर नहीं बन सकता। हाँ ये तो सही ठीक है। है, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी सारे क्वेश्चन अच्छे थे भाई। इसके आगे का ये सच अपडेट में में बता रहा था जिसमें पूरे कंपनी को ही लेंगे वो लोग अब, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है, पास नहीं हुआ है काफी लोगों ने। अगला प्रश्न कैपिटल एडिक्यू सीरीज। ये तो सही होना चाहिए भाई, ये भी गलत हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो अब इसमें इट इज द रेशियो ऑफ द बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू द रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। अरे भाई करंट लाइबिलिटी भी होता है क्या? रिस्क वेटेड एसेट तो सुना था, तो रेशियो बैंक्स कैपिटल, बैंक का कितना कैपिटल, ये सही करंट है। लाइबिलिटी नहीं होता ना, नहीं, पता ये नहीं कितना है जिन्होंने ये ना। इतना ही लोन दे सकते हैं जितना क्षमता हो उतना अपने पास बैकअप में रखना होता है, कि मान लो अगर कभी दिक्कत होती है तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, तो करंट लायबिलिटी का ये रेशियो होता है। इट प्रिवेंट्स बैंक फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लेवरेज एंड बिकमिंग इंसॉल्वेंट इन द प्रोसेस। ये तो ठीक है, सेकंड तो पक्का सही है। अब सेकंड सही है तो इसका सी गलत हो गया। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया हैव द सेम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नहीं रिक्वायरमेंट। ये भी गलत ठीक है। है, ये गलत अच्छा गलत है है, ये। सबका सेम नहीं है। आईसीआईसीआई अच्छा हाँ हाँ, हाँ अरे ठीक तो है एसबीआई भाई। को कैपिटल, कम अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना है? 8% रखना है ना इंडिया में तो। है। नहीं, जो बड़े बैंक होते हैं उनका कम होता है, तो एसबीआई और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का शायद कम है।
मेरे हिसाब से तो तीनों का बराबर ही होता है। नहीं नहीं भाई, ये तीनों का बराबर नहीं होता है, सभी का बराबर नहीं होता है, बड़े बैंक का कम होता है, इतना मुझे का पता है, मतलब कहीं पढ़ा था मैंने, बड़े और बैंक का तीसरा तो, बड़े गलत बैंक का तो और ज्यादा होना चाहिए, उनको तो है। ज्यादा नहीं रिच है, नहीं ठीक इनके पास है पैसे ज्यादा होते हैं मेरे ना, तो हिसाब से तो। मेरे हिसाब से तो हाँ वन हो एंड टू सकता होने है, चाहिए, हाँ क्योंकि तीसरा फिर वही गलत होगा भाई। है। देख लेते आंसर, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो। हाँ मुझे वही मालूम नहीं है, सारी गलत हो और रहे मेरे। तेरह का चलो ए होगा, देखो मैंने कहा था ना कि तीसरा पक्का गलत है। बढ़िया है, पढ़ लेते हैं चलो इसको भी। इसको। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वही है, रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, ठीक है। इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक एंड बैंक रेगुलेटर्स टू प्रिवेंट कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लेवरेज। ये तो ऑब्वियसली सेकंड तो सही था ही। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में तीन होते हैं, टीयर वन प्लस टीयर टू प्लस टीयर थ्री डिवाइडेड, मतलब कैपिटल फंड्स हो गए डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट। अब जो रिस्क वेटेड एसेट है टेक्स इनटू अकाउंट क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। बैजल थ्री जो नॉर्म्स हैं वो स्टिपुलेट करते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट ऑफ 8%। हाँ यही मुझे ध्यान था, 8% का। हाउएवर जो इंडिया में है वो 9% है, मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैपिटल ऑफ 9%, वाइल इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक, तो शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक भी तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही होते हैं या दूसरे होते हैं कुछ। कमर्शियल बैंक अलग होता है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक सरकारी हो गया, कमर्शियल बैंक जरूरी नहीं कि सरकारी और प्राइवेट हो, लेकिन जो सरकारी बैंक है उनका अलग होता है, ये मैं कह रहा था, मैं कम कह रहा था, लेकिन ज्यादा हाँ है वो अलग वो है, अलग होता है। वही मुझे भी लग रहा था, मैंने कहा सरकारी होगा तो और ज्यादा होने चाहिए, डूबने का ज्यादा वो खतरा, जो लेकिन मैं आप तुम बता रहा सही था कह ना, रहे जो मैं कम बता रहा था पता, वो मैं क्या बता रहा था, वो मैं टू बिग टू फेल वाला, पता है ना कॉन्सेप्ट हो। हाँ टू, तो वो वाले में कुछ एक कोई पता नहीं क्या क्राइटेरिया, वो कम होता है इन तीनों का, एच डी एफ सी पता नहीं, आईसीआईसीआई और एसबीआई का। देखना पड़ेगा दोबारा से, जुलाई वाले करंट अफेयर में था। अच्छा। अगला प्रश्न करते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। कंसिडर तो बैंक ऑफ इंटर, इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ WTO। नहीं यार, WTO से लेना देना है इसका, नहीं होगा। बैंक है, ट्रेड इट है, तो प्रोवाइड नहीं होगा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, तो देखते हैं पता चलेगा। और इट प्रोवाइड्स बेल आउट पैकेजेस और लोन्स टू कंट्रीज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये काम तो, मतलब ये काम तो वो करता है ना, कौन करता है, IMF करता है काम, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये काम करता है नहीं करता है ध्यान नहीं आ रहा बिल्कुल। इट नहीं करता प्रोवाइड्स होगा ये। एसेट मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड्स एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज टू बैंक ऑफ इट्स मेंबर्स, ये हो सकता है सही ये हो, सही हो, थर्ड क्योंकि वन सेटलमेंट भी है ये होना बैंक चाहिए। मुझे इसमें बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में इतना ध्यान आ रहा है कि ये जो है ना, इसमें ये था कि जो जर्मनी था उसको रेपरेशन के लिए कहा गया था। रेपरेशन वो होता है ना, जैसे कि जितना तुम मारी इसलिए। वैसे नुकसान हुआ है, यू हैव टू रीपे बैक। तो मतलब सेकंड तो वन और टू तो गलत ही लग रहा है, सी होना चाहिए शायद है, तुम्हें क्या तो लगता है? किसको रिपरेशन देना था, जर्मनी को, ज्यूस को? पता नहीं जो देश जीत गए थे उनको देना होगा। अच्छा वर्ल्ड वार के टाइम बोल रहे हो, हाँ वर्ल्ड वॉर के टाइम थ्री होगा इसका, सी मतलब थ्री ही ओनली, दिया तीसरा ही था। सही है, हाँ यही लग भी रहा था। इसको पढ़ लेते फिर। हाँ तो इसमें यही है कि जो बैंक है इंटरनेशनल सेटलमेंट को 1930 में बना था, और इसमें 63 सेंट्रल बैंक्स हैं रिप्रेजेंटिंग द कंट्रीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड दैट टुगेदर अकाउंट फॉर 95% ऑफ GDP, ठीक है। और ये WTO के अंडर में काम नहीं करता है, और हाँ ये तो मुझे ध्यान था, ये बाजल स्विट्जरलैंड में है। इट हैज टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस, अच्छा इसके दो ऑफिसेस और भी हैं, एक हांगकॉन्ग में है और एक मेक्सिको में, एज वेल एज द इनोवेशन हब सेंटर अराउंड दी वर्ल्ड। इसका कोई आइडिया नहीं था इनोवेशन सेंटर हब का। द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट अटेम्प्ट्स टू प्रमोट ग्लोबल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स एंड देयर मॉनिटरी। द बैंक डज नॉट हैंडल ट्रांजेक्शन ऑफ प्रोवाइड, ये बेल आउट पैकेजेस नहीं देता है। इट ऑल्सो डज नॉट बिजनेस विद कॉर्पोरेशन और कंज्यूमर्स। BIS इज ऑफन कॉल्ड द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक फॉर सेंट्रल बैंक रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू इंस्टीट्यूशन सच एज यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड फेडरल रिजर्व। दी सर्विस इंक्लूड अकाउंट्स फॉर इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स एंड सिक्योरिटीज, गोल्ड एंड करेंसी ट्रांजेक्शन, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड द प्रोविजन ऑफ द शॉर्ट टर्म कोलेटराइज लोन्स, ठीक इसको ऐसा मान सकते हैं जैसे आरबीआई का काम है भारत में, सेंट्रल बैंक का बैंक ऑफ बैंक है, वैसे ये इंटरनेशनल लेवल पे हल्का फुल्का। अगला प्रश्न करते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन बैंकिंग सिस्टम टियर वन कैपिटल इंक्लूड्स। टीयर वन। अच्छा तो अनपब्लिश रिजर्व ऑफ अ बैंक दैट कैन नॉट बी यूज
एट विल बाय द बैर, नहीं ये तो गलत हो गया। टीयर वन में तो वही होता है ना जो एकदम से हम बेच सकते हैं। कैपिटल यूज टू मीट द मार्केट रिस्क, कमोडिटीज रिस्क एंड फॉरेन करेंसी रिस्क, प्राइमरी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एंड डिस्क्लोज रिजर्व्स ऑफ द बैंक, सरप्लस ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर टैक्स पेड। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब टैक्स पेड से क्या लेना देना है टीयर वन का। इसका कैपिटल दूसरा यूज टू मीट द लगा मार्केट, बी बी होगा, हाँ पक्का बी ही होगा इसमें। 15 का सी दे रखा है भाई, भाई साहब प्राइमरी स्टॉक होल्डर इक्विटी एंड डिस्क्लोज रिजर्व ऑफ बैंक, मतलब जो सही हो पैसे ही रहा जमा है, सारे गलत हो रहे हैं। और क्या मेरे तो मतलब मतलब मेरे हिसाब से तो अगर मैंने सारे नोट्स पढ़े होंगे तो भी मेरे से गलती होंगे ये, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अलग तरीके के हैं ये। ये करंट बेस्ड है लग रहा है मुझे ज्यादा, करंट भी नहीं है थोड़ा, पता नहीं थोड़ा दिमाग लगाने वाले ज्यादा होंगे शायद, वैल्यू एडिशन वाले हैं कि अपने नोट्स में ऐड कर लो, क्योंकि टीयर वन तो पता ही है वैसे, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया उन्होंने तो हुआ नहीं था वो। तो इसमें यही है, पढ़ लेते हैं एक बार इसको भी, कि जो कैपिटल ऑफ द बैंक हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टीयर्स टू चेक द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बैंक। अब जो टीयर वन कैपिटल इज द कोर मेजर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फ्रॉम अ रेगुलेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो पता था यार, यही लिख देते तो हो ही जाता सवाल, लेकिन उन्होंने ये लिखा ही नहीं है, उसके बाद के लिखे हैं। ये लॉस एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट अ बैंक बीइंग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग इट। अच्छा हाँ, उसमें लिखा था प्राइमरीली स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। हाँ टीयर वन में इक्विटी तो होती है जो जल्दी बिक जाती है, लेकिन इसमें जो डिस्क्लोज रिजर्व लिखा था ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। डिस्क्लोज रिजर्व मतलब तो ये है कि वो पैसे जिसके बारे में सबको पता हो, बैंक को पता, रिजर्व बैंक को पता हो और कभी भी इस्तेमाल कर सके। तो अब डिस्क्लोज रिजर्व इसमें यही है कि इट कैन एब्जॉर्ब लॉसेस विदाउट अ बैंक बीइंग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग। इट कंसिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल एंड लिक्विड प्राइमरली स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एंड डिस्क्लोज रिजर्व ऑफ द बैंक। अब ये जो डिस्क्लोज रिजर्व है ये टोटल लिक्विड कैश है और जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसेट्स है बैंक के दैट मे बी यूज एनी टाइम। तो डिस्क्लोज रिजर्व ये टोटल लिक्विड कैश है और ये स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो एसेट्स है बैंक के जिनको कभी भी यूज किया सकता है। दिस विद देयर पार्ट ऑफ इट्स कोर कैपिटल। हाँ ये टीयर वन को कोर कैपिटल कहते हैं तो मालूम था, मतलब कैपिटल से भी सोच कैपिटल यूज टू मीट। अच्छा वो चीज नहीं थी जो 15 का भी है। अब इसमें जो आती है टीयर टू, उसमें क्या है, इज द कैपिटल एडिक्वेसी दैट कैन अब्सॉर्ब लॉस इन द इवेंट ऑफ अ वाइंडिंग अप, जब कंपनी को बंद करना हो, एंड सो प्रोवाइड्स अ लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। इट इज अ सेकंड मोस्ट रिलायबल फॉर्म ऑफ कैपिटल। इट कंसिस्ट ऑफ एक्युमुलेटेड आफ्टर टैक्स सरप्लस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ इक्विटी सिक्योरिटी, जनरल लॉस, लोन लॉस रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एंड सबऑर्डिनेटेड डेट एंड अनडिस्क्लोज रिजर्व। विद अनडिस्क्लोज रिजर्व आर द अनपब्लिश्ड और हिडन रिजर्व ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मे नॉट अपियर ऑन पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट सच एज बैलेंस शीट, बट आर नंदीलेस रियल एसेट्स विच आर एक्सेप्टेड एज सच बाई मोस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बट कैन नॉट बी यूज एट विल बाई द बैंक। ठीक है, मतलब और ये दैट इज टीयर वाई टू दे का आर पार्ट पार्ट। है ये? हाँ टीयर टू का पार्ट है ये मतलब मैंने पढ़ा है टॉपिक, लेकिन उसमें इस तरीके से डिस्क्लोज रिजर्व और अनडिस्क्लोज रिजर्व नहीं है मेरे नोट्स में, देखना पड़ेगा एक बार। फिर टीयर थ्री कैपिटल इज यूज टू मीट द मीट और सपोर्ट मार्केट रिस्क कमोडिटी। अच्छा टीयर थ्री में होता है ये, टीयर थ्री कैपिटल डेट्स मे इंक्लूड अ ग्रेटर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेटेड इश्यूज, अनडिस्क्लोज रिजर्व एंड जनरल लॉस रिजर्व कम्पेयर टू टीयर टू कैपिटल। टू क्वालिफाई टीयर थ्री कैपिटल एसेट्स मस्ट बी लिमिटेड टू 250% ऑफ अ बैंक्स टीयर वन कैपिटल, बी अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेटेड एंड हैव अ मिनिमम मैच्योरिटी ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, एक बार और उसमें ये देखना लिखा पड़ेगा होगा इसमें। ना टीयर वन में कि ये चीजें होती है, बस इतना ही लिखा होगा। हाँ इतना ही होगा, इतना इस तरीके से नहीं था डिस्क्लोज और अनडिस्क्लोज, तो मतलब ध्यान नहीं दिया कभी इतना। मतलब ये या तो खुद से सोचे कोई कि हाँ ये डिस्क्लोज करते होंगे क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड है, तो ऐसे सोच के हो जाएगा। रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट दे प्रोवाइड इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन ओनली टू प्रिंसिपल बट नॉट टू इंटरेस्ट पेमेंट। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इंटरेस्ट पे भी मिलता है शायद, तो पहला गलत हो गया। मिलता है मिलता है मिलता है। दे आर ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट लाइक अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये भी सही होगा ये। और देखते हैं, दे कैन बी यूज बाय बैंक्स टू मेंटेन SLR, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड्स तो करते हैं, SLR में रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड नहीं होता होगा क्योंकि 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 नहीं होगा। हाँ ये SLR में नहीं ये नहीं होगा। होगा क्योंकि जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है
तो सरकार को जो बॉन्ड बेचते हैं बैंक्स वो आते हैं, लेकिन इसमें पता है होता ग्रीन है। बॉन्ड आते हैं, एसएलआर में ग्रीन बॉन्ड आते हैं, जो ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है अभी सरकार, मतलब इशू किया रिजर्व बैंक ने, भी दो बार लेके आए थे रिजर्व बैंक, तो उसको खरीद के कोई अपने एसएलआर में रख सकता है, अभी ये लेटेस्ट में है, तो दूसरा सही लग रहा है इसका, बस बी होना चाहिए, बी। देखते आंसर क्या दिया, डी दे रखा है आंसर, क्या है मतलब दूसरा और तीसरा दोनों ही सही है, देखें मतलब ये है कि ये भी बॉन्ड यूज कर सकते हैं एसएलआर में, ये देखो इस बार आने का बहुत पूरा संभावना है, क्योंकि बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड जारी किया ना बैंक ने, उसके बाद से बजट में भी ले आए थे, तो इस बार बहुत ज्यादा सही कह रहे हो चांसेस भाई। है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, वैसे मैंने ये देखा तो था उसमें बायजूस वाले में, यार बहुत बढ़िया वो बायजूस वाला, लेकिन याद नहीं था मुझे। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड प्रोवाइड इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन टू बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आर टाइड टू द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एज, हाँ ठीक है, मतलब उसके साथ ही बढ़ता रहेगा इसका, तो इन्फ्लेशन रिस्क बिकॉज वो कम हो जाता है इन्फ्लेशन रिस्क, तो IIBs एंड जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट एंड अदर जी सेक इन्वेस्टर विल बी एबल टू ट्रेड देम इन टू OTC मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज, सो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, IIBs एंड G-Secs आर इशूड एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स, देयरफॉर दे कैन बी यूज एज SLR, ठीक है, अच्छा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है इसलिए SLR यूज कर सकते हैं, ठीक है, वही चक्कर उसके साथ भी था ग्रीन बॉन्ड मिस्टर एक्स, पर अगला प्रश्न करते हैं, परचेज 1000 इक्विटी शेयर फॉर 50 रुपीज ईच इन द मॉर्निंग, ही सोल्ड हिज 1000 शेयर एट 60 इन द इवनिंग, ही विल बी टैक्स्ड अंडर द जीएसटी, तो नहीं होगा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, लॉन्ग टर्म भी नहीं होगा, शॉर्ट टर्म हुआ ये, तो शॉर्ट सेलिंग कहते हैं इसको, जो ये प्रोसेस है इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं इसको, सही कह रहे हो। लॉन्ग और टर्म तो इसके है ही लिए नहीं, देखो डी तो बताओ। बिल्कुल नहीं है। और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो किस चीज पर होता था? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, कोई बड़ा कोई लेन देन होता होगा उस पर होता होगा मतलब जब यार, हम छोटा ट्रांजैक्शन करते हैं कुछ, तो उस पर जो टैक्स लगता वेल्थ टैक्स होना चाहिए इसका, है शायद, मतलब मुझे भी ये लगता है। फिर ASC में से कोई होगा, BOD तो नहीं होगा, C होगा इसका, जीएसटी तो नहीं, मतलब है क्या दिया? तो यही है C है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी को मतलब परचेज और सेलिंग के टाइम पे लगता है, सिक्योरिटी में इंक्लूड ऑप्शन इक्विटीज एंड फ्यूचर्स, STTs एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू ट्रांजैक्शन सेटल्ड इन डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज एंड कवर्स ओनली स्टॉक ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड थ्रू एक्सेप्टेड स्टॉक एक्सचेंज इन द कंट्री, मोर ओवर द टैक्स एक्सक्लूड ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, वही एक इस पे STT लगेगा 0.025 का, और इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, दिया नहीं इसमें। अगला प्रश्न करते हैं, विद रेफरेंस टू द मैड मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, इट वॉज इंट्रोड्यूस टू टैक्स द इनकम अक्रूइंग टू फॉरन ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम इंडिया, ये दुनिया भर के लिए आया था लेकिन भारत में भी हुआ था, तो सही है, द प्रोविजन ऑफ मैट आर एप्लीकेबल ओनली टू ए ये जो कॉर्पोरेट टैक्स, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू टैक्स द इनकम अक्रूइंग टू फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम इंडिया, नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए था ये, अच्छा उन्हीं के लिए। मेरे हिसाब से तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो इस वजह से आया था ना, जैसे कि कुछ लोग अपना बुक शेयर तो ज्यादा दिखा देते हैं, बुक प्रॉफिट, लेकिन जो रियल प्रॉफिट होता है बहुत कम दिखा देते हैं, नहीं, तो इस वजह से ये दिक्कत उनके क्या होती लिए है था, कुछ? जैसे अमेजोन वगैरह बड़ी कंपनियां ना, ये तो ये टैक्स बचा के भाग जाती थी पहले, तो सभी देशों ने मिलके इकट्ठे डिसाइड किया कि हम इनको अरे मिनिमम वो दूसरी ऑल्टरनेट चीज है, टैक्स, वो मिनिमम ग्लोबल, अच्छा वो वही है क्या वही ये? है नहीं, ये, ग्लोबल मिनिमम टैक्स होता है वो तो। यार मुझे तो जहां तक याद रहा है ये ठीक है, देखते हैं, तो हो सकता है फिर, अब मतलब मेरे हिसाब से तो पहला सही लग रहा है, प्रोविजन ऑफ मैट आर एप्लीकेबल ओनली टू अ कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ये नहीं होगा, सबके लिए होगा ये, यूनियन बजट 2022 हैज अबॉलिश्ड मैट फॉर कॉपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया, ये हो ये सकता है मिनिमम ऑल्टरनेट कॉपरेटिव, टैक्स वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, ये वो पक्का नहीं है, अच्छा क्योंकि वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो, GMCT। अच्छा ये मिनिमम अच्छा ऑल्टरनेट टैक्स वो क्या है? ये है जो बुक प्रॉफिट होता है, मतलब कि जैसे मैं मान लो मेरी कंपनी है, मैंने कमाई करी है, मैं दिखाऊंगा मेरा जो बुक प्रॉफिट है वो तो है 1 करोड़ रुपए, लेकिन जो मेरा रियल प्रॉफिट है वो हुआ है मात्र मतलब 1 लाख रुपए, और बाकी सारा मैं दिखा दूंगा खर्चा हो गया। तो सरकार कहती है कि हम प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लेंगे, अब तुम्हारा जो बुक प्रॉफिट है उस पे टैक्स लेंगे हम, ठीक सही है, बुक है, प्रॉफिट पे 15% दे दो, या फिर जो तुम अपने परसेंटेज दिखा रहे हो, इतना ओरिजिनल प्रॉफिट हुआ है उस पे 10% दे दो, तो
तो जो ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है, तू पक्का सही है। और इसमें लिखा है कि एमएटी को हटा दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, ये भी मुझे लगता है सही होगा, कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना चाहती होगी सरकार, तो 1830 होना चाहिए शायद, या बी भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक होगा। बी दे रखा है इसका आंसर, टू ओनली। तो मिनिमम और रिटर्निंग टैक्स वही है कि 15% बुक प्रॉफिट और सेस प्लस सेस एंड सरचार्ज और इक्विलाइजेशन लेवी वाज इंट्रोड्यूस 2016 में लेके आए थे विद इंटेंशन ऑफ टैक्सिंग जो तुम कहते हैं ना वन वाला, जो वन वाला तुम कहते हो उसको गूगल टैक्स कहते हैं, और उस आम भाषा में और टेक्निकल भाषा में कहते हैं इक्विलाइजेशन लेवी। लेवी मतलब लगाना, इक्विलाइजेशन मतलब बराबरी लाने के लिए। जैसे कि कोई कंपनी है वो क्या कर रही है, वो इंडिया से कमाई कर रही है लेकिन इंडिया में टैक्स नहीं दे रही वो, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो उसके लिए सरकार जो है वो लेके आई थी इक्विलाइजेशन लेवी, ठीक है। तो वो जो तुम कह रहे थे ना वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है, वो बिल्कुल अलग चीज है इससे। वो मिनिमम ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट ऐसे दिखा ना, इसलिए मुझे वही याद आया। हाँ वो उसमें थोड़ा सा मैं ही कंफ्यूज हो गया जब तुमने बोला। तो फिर जो इक्वलाइजेशन लेवी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में विद द इंटेंट ऑफ टैक्सिंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन दैट इज द इनकम अक्रूइंग टू फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम इंडिया, इट इज एम्ड एट टैक्सिंग द बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जो प्रोविजन है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का एप्लीकेबल टू कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ओनली, द प्रोविजन रिलेटिंग टू एएमटी, एएमटी एक दूसरी चीज होती है उसको कहते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, दोनों में अंतर होता है इनमें, वो एप्लीकेबल होता है टू नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स इन अ मॉडिफाइड पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स दैट इज एएमटी। सो इट कैन बी सेड कि जो एमएटी अप्लाइज टू कंपनीज एंड एएमटी अप्लाइज टू पर्संस एंड अ कंपनी। यार बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये नोट्स में भी है मेरे, ये लिखा है इसमें कि मैट जो है अप्लाई होगा कंपनी पे और एएमटी अप्लाई होगा व्यक्ति पे, एक व्यक्ति विशेष पे। तो जो रिसेंटली जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है ब्रॉट द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स डाउन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू 15%, उनके लिए टैक्स घटा दिया है, एबॉलिश नहीं किया है। द मूव विल ब्रिंग इन अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द कोऑपरेटिव्स एंड द प्राइवेट कंपनीज व्हिच आर टैक्स्ड एट 15%। एमएटी इज नॉट एबॉलिश फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी गलती हो गया यार। आज का दिन नहीं खराब है, अगला प्रश्न कंसीडर द फॉलोइंग। दिन खराब नहीं है, ये क्वेश्चन ही थोड़े इस तरीके के हैं कि इनको तो मुझे लगता है 10 दिन बाद भी करूं, मैं नोट्स पढ़ के भी करूं तो भी कोई गारंटी नहीं है सही होंगे मेरे से। वो जैसे क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं ये बहुत नई चीजें हैं इसमें, मतलब जानने की बढ़िया है क्वेश्चन, मतलब आ तो रहा है, मतलब कुछ कुछ नया चीज पता तो चल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ जबकि ये वो चीजें जो पढ़ी हुई है, मतलब पढ़ी हुई में फंसा रहे हैं ये। तो टैक्स एक्सपेंडिचर की बात है, टैक्स एक्सपेंडिचर तो वो कहते हैं ना कि मतलब पढ़ते हैं पता चल जाएगा, इट इंडिकेट्स द रेवेन्यू फोरगोन एज अ रिजल्ट ऑफ द स्पेशल एग्जम्पशंस और डिडक्शंस प्रोवाइडेड अंडर टैक्स लॉज। नहीं रेवेन्यू गॉन तो नहीं होगा, फॉरगोन तो नहीं होगा, इंडिकेट्स रेवेन्यू फोरगोन एज अ रिजल्ट ऑफ, नहीं मुझे जहां तक लग रहा है ना टैक्स, मुझे जहां तक लग रहा है टैक्स एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जैसे कि मान लो सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, मतलब महंगाई बढ़ गई तो उस चीज को हम कह देंगे कि पता नहीं, चलो देखते हैं, मैं समझा नहीं पा रहा, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। तो मुझे वैसे पहला तो गलत लग रहा है, पहला गलत ही होगा। इट इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटीज ऑफ टैक्स पेयर्स एंड डिक्रीजेस द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। इंक्रीजेस द टैक्स लायबिलिटीज ऑफ अ टैक्स पेयर एंड डिक्रीजेस द बर्डन, मतलब ये कहना चाहते हैं कि टैक्स बढ़ा देगा, टैक्स एक्सपेंडिचर मतलब टैक्स, नीदर लग रहा है मुझे, तो दोनों ही गलत लग रहे हैं। पहला सही हो सकता है, दूसरा तो गलत होगा, ठीक है वो, लेकिन पहला सही हो सकता है। टैक्स एक्सपेंडिचर इट इन रेवेन्यू फोरगोन एज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल एग्जम्पशंस, और ठीक है मतलब ठीक है, वन होगा इसका मेरे हिसाब से 19 का। इट इंडिकेट्स रेवेन्यू फोरगोन एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशल एग्जम्पशंस, टैक्स एक्सपेंडिचर में सरकार का नुकसान होगा ना, टैक्स का खर्चा होगा तो सरकार का नुकसान होगा, और दूसरे में लिखा है कि देखो दोनों सही नहीं हो सकते। हाँ तो पहला सही है क्योंकि दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। अब पहले का मुझे समझ नहीं आ रहा उतना, लेकिन दूसरा तो पक्का गलत है। देखो कैसे देखो सही है, मैं बता देता हूँ ना, मैं समझ गया, होगा तो इसका पहला ही ए ही होगा। देखो आंसर देखो, हाँ ए ही दिया है। हाँ तो ये ऐसे हो गया ना कि टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है, सरकार का खर्चा हो गया, सरकार का जो टैक्स है वो खर्च हो गया। अब सरकार का टैक्स खर्च हो गया वो कैसे हो गया, सरकार को जो टैक्स मिला उसमें सरकार ने छूट दे दी, ठीक है, तो रेवेन्यू फोरगोन हो गया वो। हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन वो चीज है उसमें,
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक सर्वे 2020। यार ये तो नहीं हो पाएगा, इकोनॉमिक सर्वे याद थोड़ी है, इतना पिछले साल का है वो भी। अरे इकोनॉमिक सर्वे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन जो होगा वो बेसिक होगा, ठीक हाँ है, ठीक, कोई फर्क नहीं होता इकोनॉमिक सर्वे से, तीसरा तो जरूरत भी गलत नहीं हो उसे गया, पढ़ने 10% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन पेज टैक्स, बिल्कुल गलत है ये। गलत हो गया, बस जरूरत थी इसमें कुछ इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं थी, वन पक्का सही हो गया। क्या लिखा है, टैक्स बैलेंसी रेशियो ऑफ डायरेक्ट ग्रेटर देन दैट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स बैलेंसी रेशियो फॉर डायरेक्ट टैक्सेस इज ग्रेटर देन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। हाँ ये शायद सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जीडीपी ऑफ, नहीं भाई कैसे हो सकता है ये, डायरेक्ट टैक्स तो बहुत कम लोग देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स दूसरा हर तो बंदा मैंने देता है। पढ़ा नहीं, दूसरा मैंने पढ़ा नहीं, पहले मैंने कहा था, दूसरा देखता हूँ मैं, मैंने देखा नहीं। द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जीडीपी ऑफ इंडिया वाज ग्रेटर देन द इनडायरेक्ट टैक्सेस, गलत है, कैसे मतलब डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्सेस से, ये लिखा है ना हो इसमें। सकता है, डायरेक्ट टैक्स तो देश में 10% लोग भी नहीं देते, इनडायरेक्ट टैक्स कितने सारे लोग देते हैं, तो सेकंड गलत हो गया, वन ओनली इनडायरेक्ट होना चाहिए टैक्स तो 20 हर का। सामान पे लगता ही रहता है, तो ये ज्यादा होगा, तो फिर ए पहला होना गलत हो चाहिए, जाएगा नहीं फिर तो। पहला सही है ना, ए ही तो होगा, थर्ड गलत है, सेकंड थर्ड तो भी गलत गलत है है, हाँ, सेकंड सेकंड वाला भी गलत भी है गलत हाँ, है, तो ए बिल्कुल ही तो होगा भाई, 20 का हाँ, ए। फिर सही हो जी। ठीक है आंसर देख लेते हो, इसका 20 का यही दे रखा है इसका, तो केवल पहला ऑप्शन देख लेते हो। टैक्स बैलेंसी रेशियो क्या होता है, मेजर्स ग्रोथ इन टैक्स रिलेटिव टू जीडीपी ग्रोथ। द टैक्स बैलेंसी रेशियो फॉर द इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट वॉज 2.8 फॉर डायरेक्ट टैक्सेस एंड 1.1 फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। द रेशियो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रिकवर्ड फ्रॉम, यार कितना डेटा इसमें दे रखा है। ठीक है चलो, बाकी ये नीचे वाला तो पता ही है, ये बहुत कम लोग देते हैं टैक्स। और दूसरे में क्या था, डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर 4.7% है और इनडायरेक्ट का 5.4% है। ठीक है अगला प्रश्न करते हैं, एसेट मोनेटाइजेशन। अच्छा यही मैं कल कह रहा था ना, वो जो डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे थे, तो मैं एसेट मोनेटाइजेशन जो कह रहा था वही वाला पूछा है। इट एम्स टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन पब्लिक एसेट्स व्हिच हैव नॉट यील्डेड अप्रोप्रिएट रिटर्न सो फार। हाँ ये हो सकता है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ अंडर यूटिलाइज्ड पब्लिक एसेट टू प्राइवेट सेक्टर, ये भी हो सकता है। इट बूस्ट न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन बाई टैपिंग फॉर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं ये गलत है। इट इज अ पार्शियल सेलिंग ऑफ स्टॉक्स इन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय गवर्नमेंट, ये नहीं, इसका बी हो जाएगा आंसर। नहीं बी नहीं अगला होगा, लो, बी नहीं होगा, बी बी नहीं नहीं होगा होगा, इसका, क्योंकि रुक जाओ भाई फिर एसेट देखता हूँ। अच्छा मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ऑनरशिप, संपत्ति बेच नहीं देना, ऑनरशिप नहीं देते, वो केवल देते हैं कुछ दिनों के लिए। हाँ, तो ओनरशिप दूसरा कैसे गलत दे हो देंगे जाएगा। उसमें, मोनेटाइज कर रहे हैं ना, किराए पे देना हो गया, तो मैं अपना घर हाँ, किराए जैसे पे देता हूँ किसी को, तो मैंने लखनऊ एयरपोर्ट दे ओनरशिप दिया थोड़ी ना ना दे दी, डायरेक्ट। हाँ तो मैंने ओनरशिप थोड़ी ना दे दी, तो बी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करता है बाय टैकिंग द, मतलब ये सही हो सकता है बाय टैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सी भी। अब ये पार्शियल सेलिंग है स्टॉक्स की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट, गलत हो गया, सेलिंग थोड़ी ना हो रही है। ए या इट फिर एम्स सी टू में से अनलॉक द वैल्यू, कोई इट एम्स टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन पब्लिक एसेट्स विच नॉट हैव यील्डेड अप्रोप्रिएट रिटर्न सो फार। इसका मकसद है टू एक। अनलॉक द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट्स में, अनलॉक करना उस इन्वेस्टमेंट निवेश की वैल्यू को जिसने अब तक अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, जरूरी नहीं है मतलब कि अच्छे वो दे भी भी तो सही है सकता है, तो सर, सी होना चाहिए, 21 का सी ए या होना चाहिए मेरे सी, हिसाब से तो। हाँ ए या सी में से कोई होगा, देखते हैं। इसका ए दे रखा है आंसर, सही है ए होगा। और इसका अरे भाई यार एग्जांपल लखनऊ एयरपोर्ट ही ले लो, अदानी को दे दिया, जब से तो बढ़ गया लखनऊ एयरपोर्ट पे फीस। तो ठीक है, तो एसेट मोनेटाइजेशन वही होता है, इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ न्यू रिसोर्स, न्यू सोर्सेज। इसमें एफडीआई था ना, इसलिए मैंने इसको गलत माना था, इसमें एफडीआई था इसलिए। हाँ सही कह ज्यादातर रहे ये हो बिल्कुल, मोनेटाइजेशन वाला काम ही अपने देश वालों को करते हैं, ताकि बाद में ऑनरशिप का मतलब लड़ाई वड़ाई केस ना पड़े, ज्यादा हंगामा ना हो। इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू बाई अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू हिदर टू अंडर यूटिलाइज अनयूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट्स। इंटरनेशनली इट इज रिकॉग्नाइज दैट पब्लिक एसेट्स आर सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम, वही लिखा है, मतलब कि दे देना किसी को जरूरत पड़े तो, लीज पे। मेनी पब्लिक सेक्टर्स एसेट्स आर सब ऑप्टिमली यूटिलाइज, कुड बी अप्रोप्रिएटली मोनेटाइज टू क्रिएट अ ग्रेटर फाइनेंशियल लेवरेज
एंड वैल्यू फॉर द कंपनीज एंड ऑफ द इक्विटी दैट द गवर्नमेंट हैज इन्वेस्टेड इन देम। ठीक है, गवर्नमेंट ये मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लेके आए थे, ये इज टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वही बात चार बार लिख रखा है यहाँ पे, कुछ है नहीं इसमें अधिक। ठीक है, विजय केलकर कमेटी ने ये रिकमेंड किया था पहली बार 2012 में। अगला प्रश्न करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज आर लेविड एंड कलेक्टेड बाई अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया। टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स तो लगता ही नहीं यार, एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर पे कहाँ टैक्स लगता है। चलो पहला गलत हो गया, टैक्स ऑन मिनरल राइट्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट प्रॉपर्टी टैक्स, तीसरा और चौथा होगा इसका, अर्बन लोकल बॉडीज का। हेलो हेलो, इसका आंसर तीसरा चौथा लग रहा है मुझे। हाँ, इसका आंसर सी ही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, शेड्यूल 12 में दे रखा है, 74th अमेंडमेंट है, ये म्यूनसिपैलिटीज को पावर दे रखा है टैक्स लगाने का और कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करने का, अर्बन लोकल बॉडीज इम्पोज कर सकते हैं शेड्यूल 12 के मुताबिक, जिसमें एंड असाइन बाय जो राज्य सरकार है उनको अधिकार दें। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ट्रेड ऑन टैक्स, टैक्स ऑन ट्रेड प्रोफेशन एंड कॉलिंग, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, सेंट्रल प्रॉपर्टीज एंड कैरिजेस एंड कार्ड्स। सेम सम नॉन टैक्स रिवेन्यू सोर्सेज आर वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, म्युनिसिपल मार्केट्स, बिल्डिंग प्लान सेक्शन, सैंक्शन फी, लाइसेंस फी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ सर्विसेज, एम्यूजमेंट पार्क का पार्किंग फी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, एग्रीकल्चर इनकम एंड टैक्स ऑन मिनरल राइट्स आर मेंशन इन द स्टेट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7, सो दे आर टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट बाय अर्बन लोकल बॉडीज। एग्रीकल्चर पे तो वैसे टैक्स लगता नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है। हेलो हेलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। मनी सप्लाई कब घट जाएगी इकोनॉमी में, इंक्रीज इन द पब्लिक हैबिट ऑफ कीपिंग मनी इन बैंक डिपॉजिट्स। मनी सप्लाई कब घट जाएगी, अगर बैंक में लोग पैसे रखने लगेंगे तब, इंक्रीज द मनी रुको रुको रुको, पब्लिक। इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि मतलब इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, इंक्रीज द बैंक हैबिट ऑफ कीपिंग। नहीं भाई, अगर बैंक में पैसा ज्यादा रखेंगे तो मनी सप्लाई घटेगी नहीं, मनी सप्लाई बढ़ेगी, 5.5 टाइम्स बढ़ेगी। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया बिल्कुल ही, रिडक्शन इन द कैश रिजर्व रेशियो लिमिट, बिल्कुल, तो मनी सप्लाई बढ़। अच्छा, पूछा कि लाइकली टू रिड्यूस, अगर हम कैश रिजर्व रेशियो को घटा देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ये भी गलत हो गया। डिक्रीज इन द डिस्काउंट रेट, सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक ने क्या करा, गवर्नमेंट बॉन्ड बेच दिया, बॉन्ड बेचा तो बैंक को क्या मिला, पैसा मिला ना, तो अगर उसको पैसा मिला है तो मनी सप्लाई घट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बैंक को पैसा मिला है, सेल द गवर्नमेंट देखो, बॉन्ड सेंट्रल बैंक ने क्या पर, करा, सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड बेचा, अब बॉन्ड बेचा तो बैंक को मतलब पैसा मिला, पैसा बने जनता के पास में मतलब। पैसे की कमी हो गई तो मनी सप्लाई घट गई। 23 का डी है, तो हाँ डी है, ठीक है, ये आसान था, आसान क्वेश्चन था। 8 बजे तक ही करते हैं, चलो ठीक ठीक है, विद रेफरेंस टू है भाई, मन वैसे मैं तो नहीं तैयार हूँ, 8:30 तक करने में कोई दिक्कत नहीं है। कर रहा, कल से करते हैं, मैं मन नहीं कर रहा, मैं उठा था एकदम 1 मिनट के अंदर आया था मैं तुरंत, 6:14 पे उठा था नहीं मैं। तो तुम्हें मुंह वो धोना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, तुम मुंह धोना, 4-5। अब भोजन वोजन भी बनाना पड़ेगा, अभी कुछ काम है थोड़ा, अच्छा, चलो ठीक है फिर, तो विद ट्वेंटी रेफर। फोर हाँ 5-8 बजे तक कर हाँ लेते हैं, विद रेफरेंस टू द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो ICOR। अब देखो इसमें क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि ऊपर होगा इंक्रीमेंटल कैपिटल और नीचे होगा आउटपुट। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, इसका ICOR यदि 1 से ज्यादा है तो अच्छी बात है, 1 से कम होगा तो अच्छी बात है, बताओ। डिवाइडेड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो पता नहीं यार, बाय मतलब आउटपुट, इंक्रीमेंटल कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो भाई आउटपुट हम क्या चाहेंगे, ज्यादा हो हाँ है ना, और जो तो एक से कैपिटल है कम वो 1 होगा से कम हो भैया। तो ये 1 से कम होना चाहिए, तो अच्छा माना जाएगा। तो हायर वैल्यू ऑफ ICOR सिग्निफाइज एन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, गलत हो गया। गलत हो जाएगा ये। वैल्यू ICOR के तो 1 से कम होनी चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन में ही है इंक्रीमेंटल कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो आउटपुट हमें बढ़ाना है, इंक्रीमेंटल जो कैपिटल हम लगा रहे हैं, पूंजी हमें कम लगानी है, कम पूंजी में ज्यादा आउटपुट चाहिए हमें, तो पहला गलत हो गया। डेवलप्ड कंट्रीज हैव हायर स्कोप टू इंप्रूव देयर ICOR देन डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल ठीक है, बी हो गया। डेवलप्ड कंट्रीज हैव हायर स्कोप फॉर टू इम्प्रूव देयर ICOR देन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, हाँ ये होना चाहिए, इसका आंसर बी हो जाएगा फिर तो, इसका आंसर डी दे रखा है।
नहीं रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन डी था? दिया ट्वेंटी रुक जाओ, क्वेश्चन कौन सा? 24th था फोर्थ ना, 24th का डी दे रखा है। अरे ये अच्छा, डी मतलब जल्दी। मैं समझ गया, पता है क्यों होगा, इसी को कैसे फंसाया क्यों? इन्होंने। बात यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे हायर स्कोप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो अपने ऑप्टिमल लेवल पे वैसे ही पहुंच चुके होंगे ना, सही बात है। ठीक है, वो तो अपने ऑप्टिमल लेवल पे है ही। स्कोप पूछा है इन्होंने, स्कोप उस देश का होगा, जैसे कि कोई बच्चा है उसके हर साल एग्जाम में 100 में से 20 नंबर आते हैं, एक है उसके 90 नंबर आते हैं, तो किसका स्कोप ज्यादा इंप्रूव करने का? जिसके 20 नंबर हाँ आते हैं भाई, उसका जो स्कोप कम पीछे है होगा, वही तो आगे जा सकता है, जो आगे है पहले से कहाँ से ही जाएगा। वो पहले से 90 ला रहा है, वो कितने ले आएगा? 90, 100 भी ले आएगा तो उसका 10 नंबर का इंप्रूवमेंट होगा। अब वो 20 से 50 ले आएगा तो उसका इंक्रीमेंट ज्यादा दिखेगा, वो बात है इसमें। क्या यार, क्या फंसाया है, पता होते हुए भी क्वेश्चन गलत हो रहा सही ठीक है, है। फिर अगले ही देखते हैं। प्रश्न करते हैं एक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इंटरफेस स्पॉट एक्सचेंजेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट दैट फैसिलिटेट्स द परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज। स्पॉट एक्सचेंजेस पता नहीं, हो सकता है वो इन इंडिया। एनएस स्पॉट एक्स नेशनल स्पॉट एक्सचेंज नेशनल लिमिटेड स्पॉट इज। एक्सचेंज लिमिटेड इज लॉन्च्ड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम कह रहे हैं विद रेफरेंस टू द स्पॉट एक्सचेंजेस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है जो फैसिलिटेट करता है परचेज और सेल को कमोडिटीज के। तो सही लग रहा है। स्पॉट एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मतलब जरूरी नहीं है, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, और वैसे सही भी होगा क्योंकि अगर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड है, लेकिन इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च करा ये भी मैंने कभी सुना नहीं है। पता नहीं भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, हो सकता है ए हो केवल। दूसरा पता नहीं, पहले पढ़ने में तो सही लग रहा है, मुझे पता नहीं इसके विषय में, लेकिन आंसर इसका ए ही दे रखा है पहला ही। क्योंकि मुझे कभी वो सुना नहीं था मैंने कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड को बॉम्बे बीएसई ने करा हो। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो अब इसमें जो स्पॉट एक्सचेंजेस हैं रेफर टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विच फैसिलिटेट परचेज एंड सेल ऑफ स्पेसिफाइड कमोडिटीज। अभी जो स्पॉट एक्सचेंजेस हैं ये वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो परचेज और सेल करते हैं स्पेसिफाइड कमोडिटीज के, जैसे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, मेटल भी बिकता, बुलियन भी बिकता। बुलियन क्या, सोना चांदी? नहीं, बुलियन वो किसको कह रहा है? सिक्के के रूप में रखते हैं जो पैसा, बुलियन जैसे बैंक कोई कोई इशू करता है तो अच्छा, बाय उसको अपने प्रोवाइडिंग स्पॉट पास। डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स इन दिस कमोडिटीज, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द एक्सचेंज आर कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सचेंज पे वो कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इट मींस दैट ऑल आउटस्टैंडिंग पोजीशंस एट द एंड ऑफ द डे आर मार्क्ड फॉर डिलीवरी, व्हिच इंप्लाइज दैट सेलर हैज टू गिव डिलीवरी एंड बायर हैज टू टेक द डिलीवरी। तो जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड है, सेटअप हुआ था 2008 में, एक नेशनल लेवल कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज है। अच्छा, NSEL है इसका। हाँ तो वही मतलब, लेकिन ये उसके अंदर नहीं आता, किसके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में नहीं आता। ये इज अ नेशनल लेवल कमोडिटी स्पॉट एक्सचेंज प्रमोटेड बाई FTIL। यार ये भी कभी नहीं सुना मैंने तो, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म बनाया है फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, बीम ई एग्रीकल्चरल मार्केट लिमिटेड बीम, थ्रू इट सब्सिडियरी बीएसई इन्वेस्टमेंट द प्लेटफॉर्म फंक्शंस एज अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशनलाइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट कमोडिटी स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक ठीक है, है यहीं तक भाई, रहने देते हैं इसको। ये वाला कहीं मैंने FTIL पढ़ा था, पता है ये शायद 8 होते हैं टोटल, जैसे पता चलो नहीं क्या है, 8 होते हैं, 8 में से एक ही है जो भी होता है, 8 मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें का ही है एक ही, पता नहीं क्या है 8। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते। ठीक है, जी, चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं। अभी कल करते हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हाँ इसको बिल्कुल, बंद। चलो भाई, बाय। चलो, शुभ रात्रि।